अंजलि घर पहुंचते ही फ्रेश होती है। वो बहुत थका हुआ महसूस करती है। वॉशरूम से बाहर निकलते ही उसे एक कॉल आता है। वो आकाश का कॉल है। वो कंफ्यूज चेहरे से कॉल रिसीव करती है। हेलो, तुम कल रेस्ट कर लो, ऑफिस में रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अंजलि, आई एम सॉरी, आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से तुम बहुत थक गई होगी, इसलिए तुम कल रेस्ट करोगी, ठीक है? कुछ देर पॉज लेने के बाद अंजलि कुछ समझते हुए पूछती है, तुम अब तक गए नहीं? हाँ, मैं यही हूँ। ऑल राइट, गुड नाइट अंजलि। कॉल कट होते ही अंजलि अपने आप से मुस्कुराती है और आज के बारे में सोचती है और अपने फेवरेट टेडी को हग करते हुए बेड पर लेट जाती है। अंजलि सीलिंग को देखते हुए सोच रही थी कि कैसे उसने एक नई जंग शुरू की है टीना के साथ, मगर उसे बुरा लग रहा है कि उसे किसी और की मदद लेनी पड़ी। वैसे उसने मदद ली ही नहीं थी, वो तो आकाश था जो एम्बेरस फील कर रहा था, इसलिए उसने कंपनसेट करने के लिए उसे हेल्प की और फिर वो डांस फ्लोर पर किए गए अचानक किस से आकाश के एक्सप्रेशन याद कर रही थी। कितना शॉकिंग था उसके लिए। पुअर होमो, उसे फिर से एक लड़की को किस करना पड़ा। अंजलि अपने आप से बड़बड़ाती है, फिर सोचती है एटलीस्ट उसे सॉरी कहना तो आता है। उसे याद आता है कि कैसे कार में आकाश ने उसके सोते हुए उसको सर पे चपाक से मारा था और वो अपने फोरहेड को टच करती है। कार में चींटी, हाउ फनी, हंस पड़ती है। कार में चींटी होने के बाद उसे बड़ी मजाकिया लगती है। अगर मुझे उसे होमो होने के बारे में पता ना होता तो मैं समझती कि मेरी मेस्मराइजिंग ब्यूटी से वो मुझसे अट्रैक्ट हो रहा है और मुझे सोता देख वो मेरा फायदा उठाना चाहता है। उसे फिर उसके दोस्त विशाल की बातें याद आती है जो कि एक होमो है। वो अक्सर उसे कहता है कि वो अपना फिगर उससे एक्सचेंज कर ले क्योंकि वो सिंगल रहकर उसे वेस्ट ही कर रही है। आकाश ने मुझे एक होमो होकर भी कितना नेचुरल किस किया, शायद वो बाइसेक्सुअल हो, अंजलि अपने आप से कहती है। वो अभी भी उस किस के बारे में ही सोच रही थी। अगली सुबह आकाश जल्दी उठ गया और रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर उसने सबको ग्रीट किया। वो काफी एनर्जेटिक फील कर रहा था। आकाश को ऐसे देखकर सब लोगों को अजीब लगता है और वो ब्रेकफास्ट करने बैठता है। आकाश के पिताजी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें कल रात के बारे में पता था। उन्हें कहीं ना कहीं से खबर मिल ही गई थी कि आकाश अंजलि को उसके घर छोड़ने गया था। फिर वो खासकर आकाश से कैजुअली पूछते हैं, तुम्हें कल अंजलि को हमसे मिलवाने लाना है, याद तो है ना? तुम उसे लंच पर ले आओ या क्यों ना उसे शाम को चाय के लिए बुलाओ, नहीं तो उसे लंच एंड डिनर दोनों के लिए बुला लो, वो जितनी देर हमारे साथ रहेगी उतना अच्छा होगा। हाँ, उससे मैं बात कर लूंगा, आकाश जवाब देता है। पार्टी कैसी रही भाई, और क्या तुम्हें नीरज चोपड़ा मिला, और क्या वो सच में बहुत हैंडसम है? पूजा आकाश से सडनली पूछती है। हाँ, वो पार्टी में था, मगर तुम जितना सोचती हो उतना कुछ खास नहीं है, वो तुम्हारे टाइप का नहीं है, उससे अच्छा मैं तुम्हें रोहन को सौंप दूं। आकाश से रोहन का नाम सुनकर अली शॉक होकर खांसने लगता है। क्या हुआ अली? आकाश अपनी आईब्रो ऊंची करके पूछता है। कुछ नहीं, शायद कुछ अटक गया, अली डिफेंड करते हुए बोलता है और पानी का पूरा ग्लास गटक जाता है। पूजा मन ही मन सोचती है, कुछ नहीं, तुम्हारे गले में तो रोहन अटका है। भाई, तुम्हें रोहन के बजाय अली कहना चाहिए था, देखो अब अली को कितना बुरा लग गया, इतना बुरा कि उसके गले में कुछ अटकने की वजह से लगभग चोक हो गया है। पूजा सरकास्टिकली कहती है, क्या तुम आज अंजलि को पिक करने नहीं जा रहे? अली बात बदलने के लिए कहता है, नहीं, वो आज रेस्ट करेगी और मुझे आज बाहर साइड देखने भी जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे। आकाश अली को इंस्ट्रक्ट करता है और अली हाँ में सिर हिलाता है। भाई, क्या मैं अगले हफ्ते अली को बोरो कर सकती हूँ मेरे लिए? पूजा अपने भाई से पूछती है। नहीं, मुझे बहुत सारे काम हैं। आकाश कुछ कहे या पूजा कुछ कहे, उससे पहले ही अली बोलता है। ऐसा हमेशा से ही होता आया है, पूजा कुछ कहती तो अली मना करता है, इस वजह से दोनों के बीच ना कभी आकाश के पिता बोलते हैं और ना ही कभी खुद आकाश बोलता है। उन्हें लगता है कि दोनों काफी समझदार हैं और अपनी बातें खुद हैंडल कर सकते हैं, मगर सालों से वो दोनों एक दूसरे से झगड़ते ही आए हैं। अंजलि आज देर तक सोई रहती है, उसका कल का दिन काफी पेचीदा और थकान भरा था। वो सोचती है कि वो टीना से अब कभी नहीं मिलना चाहती। अंजलि बेड पर बैठे बैठे स्ट्रेचिंग करती है और फिर अपना मोबाइल लेटे लेटे ही चेक करती है। वो देखती है कि मोबाइल में बहुत सारे मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस थे। वो अंदर ही अंदर चीख पड़ती है, उसके मैनेजर ने उसे कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस किए थे, वो उससे बात करना चाहती थी। ओहो बाबा जी, क्या एक दिन भी इसका नाम बिना सुने नहीं जा सकता, मैं पहले फ्रेश हो लेती हूँ। अंजलि बाथरूम की तरफ चली जाती है। फ्रेश होते ही उसे भूख लगने लगती है और अपने लिए झट से एक सैंडविच बनाती है। किचन से सोफे पर आकर बैठते ही उसे एक कॉल आता है।
वो कॉल मैनेजर का था। वो उसे टीना के मैनेजर से अपॉइंटमेंट के लिए रिमाइंड करता है। ऑल राइट, मीटिंग नेक्स्ट वीक फिक्स कर दो। ये फाइल जल्द से जल्द सबके लिए बंद करनी ही पड़ेगी। अपने मैनेजर के साथ बात खत्म कर अंजलि फोन कट करती है। फोन कट करते ही उसे एक और कॉल आता है। वो उसकी दोस्त विशाल का है। हेलो गर्ल, बिजी है क्या आज? विशाल पूछता है। नो आई एम नॉट, तू आ जा यहाँ, अंजलि आलसी टोन में विशाल को जवाब देती है। अंजलि अपना सैंडविच खत्म करती है। उसने अपना टीवी लगाया और चैनल चेंज करते हुए एक मूवी सीन पर रुकती है। सीन में एक जबरदस्त किसिंग चल रहा था। उसे तभी आकाश का उसे किस करना याद आता है। वो देखती है कि किस काफी सेंसेशनल एक्टिविटी होती है। तभी डोरबेल बजती है। वो खुश हो जाती है कि अब उसे और बोर नहीं होना पड़ेगा क्योंकि उसका जिगरी दोस्त विशाल आया है। वो एक्साइटेड होकर दरवाजा खोलते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ कहती है, सो फास्ट हाँ, तुम इतनी जल्दी? अंजलि की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो देखती है कि बाहर विशाल नहीं आकाश खड़ा है। आकाश तुम? अंजलि लगभग चिल्लाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शौक से पूछती है। मैं यहाँ पास में ही अपने क्लाइंट से मिलने आया था, फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे घर आकर तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं, जो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस केस में असिस्ट करो, तो तुम आज उसे ठीक से स्टडी कर लो। आकाश अंजलि की तरफ देखकर बोलता है। अंजलि का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अंजलि अपनी एक आईब्रो खड़ी करके कहती है, और मुझे लगा था कि आज मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, सभी बॉस एक जैसे ही होते हैं। फिर एक बार डोरबेल बजती है। वो राजेश के लिए डोर ओपन करती है। वो देखती है कि राजेश के हाथों में फाइल्स का पूरा गट्ठा है। वो फाइल्स के बारे में बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करती क्योंकि वो अपने काम के बारे में काफी सीरियस है। वो जल्द से जल्द बहुत कुछ सीखना चाहती है और वो राजेश का हंसकर वेलकम करती है। वो आकाश और राजेश को अपना ब्रेकफास्ट ऑफर करती है। तभी आकाश एक पेपर बैग उसके सामने रखता है। वो उसे कंफ्यूज लुक देकर पूछती है, ये क्या है? मैंने हम दोनों के लिए लंच लाया है, इनकेस तुमने कुछ खाया हो या नहीं। मैंने अभी अभी लंच किया है, बट थैंक्स एनीवे। अंजलि सोफे पर बैठते हुए आकाश को भी बैठने का इशारा करती है। आकाश राजेश को जाने के लिए कहता है और अंजलि के साथ डॉक्यूमेंट्स देखता है। ये मिसेस गरिमा के केस के सारे डिटेल्स हैं जो तुम्हें ध्यान से पढ़ने हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस केस में असिस्ट करो, इस केस के हर एंगल को समझने की कोशिश करो। तुम्हें मुझे हर एक पॉइंट रिमाइंड करते रहना है। और हाँ, आकाश आगे भी कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसकी कंसंट्रेशन को एक आवाज डिस्टर्ब करती है। अंजलि डियर, आई एम हियर। आकाश की आंखें विशाल को देखकर फटी रह जाती हैं। विशाल कैजुअल वेयर में कूल हंक लग रहा था। बिना आकाश को देखे वो झट से आकर अंजलि को गले लगाता है। आकाश उसे एक वियर्ड लुक देता है। विशाल एक लंबा दुबले और फिट शरीर का आदमी था लेकिन देखने में बिल्कुल फिट। वो कुल मिलाकर देखने में काफी अच्छा था। आकाश ने सोचा कि ये लड़का कौन हो सकता है। आई सी यू हैव अ विजिटर। आकाश उस लड़के को सुनता है जो उसकी तरफ अपनी आंखें टेढ़ी करके अंजलि से पूछ रहा है। आकाश ने ये छुट्टी अंजलि को आराम करने के लिए दी थी लेकिन यहाँ वो घर पर एक हंक को एंटरटेन कर रही है। अंजलि ने विशाल से पूछ लिया, तुमने कुछ स्नैक्स लाए हैं? विशाल अपने पेपर बैग अंजलि को थमाता है और वो जानने के लिए बेकरार है कि ये हैंडसम लड़का कौन है जो अंजलि के घर पर आया हुआ है। वो अंजलि से धीमी आवाज में पूछता है, हु इज ही? मेरे और दानिश के अलावा तुम्हारे सिर्फ दो ही फ्रेंड्स हैं, तो फिर ये लड़का इतना कंफर्टेबल होकर तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? ये मेरे बॉस हैं, मिस्टर आकाश। विशाल आकाश की ओर हाथ बढ़ाता है और स्माइल के साथ कहता है, आई एम विशाल, अंजलि का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? विशाल की ये बात सुनकर आकाश चौंकता है। विशाल एक्सप्लेन करते हुए कहता है, हाँ आई एम अ बॉय एंड शी इज माई फ्रेंड देन बॉयफ्रेंड। अंजलि के सिर्फ दो ही मेल फ्रेंड्स हैं, लेकिन क्यों? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। ऐसा है तो मैं भी अंजलि का बॉयफ्रेंड हुआ। आकाश की बातों में विशाल को सरकाज्म फील होता है। इस स्टैचू का कोई फ्रेंड भी हो सकता है? अंजलि विशाल की ये बात सुनती है। विशाल अंजलि के थोड़ा करीब आकर उसके कानों में कहता है, क्या ये वही बॉस है जिसे तुमने कबर्ड में छिपाए रखा है? अंजलि हंसकर विशाल को पीछे धकेलती है। आकाश दोनों में क्या बातें हो रही हैं सुनने की कोशिश में उनकी ओर थोड़ा झुकता है। अंजलि आकाश से बोलने के लिए पीछे मुड़कर देखती है। तभी आकाश अपनी नजर फेर लेता है। मैं हम सबके लिए स्नैक्स और ड्रिंक लेकर आती हूँ, तुम तब तक विशाल के साथ बात करो, फील फ्री टू टॉक हिम। अंजलि उठकर किचन में चली जाती है। वो आकाश और विशाल के एक दूसरे को जानने के बारे में सोचकर हंस रही थी। आई होप दे हुक अप टुगेदर। अंजलि लड़कों से नफरत करती है क्योंकि उसके अनुसार वे सभी एक जैसे धोखेबाज होते हैं, इसलिए उसने सिंगल रहने का फैसला किया था और किसी भी आदमी को उसके करीब नहीं आने दिया। शी हेटेड स्वीट टॉकर्स।
अंजलि की बहुत कम लोगों से दोस्ती थी और उसके सिर्फ दो मेल फ्रेंड्स थे। अब आकाश का नाम उस लिस्ट में हाल ही में जोड़ा गया था। अंजलि को ये लगता था कि वो आकाश के साथ सेफ रहेगी। उसने कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा था कि कैसे आकाश किसी भी लड़की के साथ जुड़ने से नफरत करता था और किसी भी लड़की के साथ रोमांटिक तरीके से नहीं जुड़ा था। कुछ ने तो उसकी बाइसेक्सुअल प्रेफरेंसेस बता दी थी, हालांकि उसके बारे में कुछ भी साबित नहीं हुआ था। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी कि विशाल कैसे आकाश को परेशान करने वाला था। इस बीच विशाल आराम से आकाश के ठीक बगल में सोफे पर बैठ गया और एक अट्रैक्टिव स्माइल उसके चेहरे पर छा गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसका लकी दिन होगा कि वो अपने जैसे ही सेक्सुअल प्रेफरेंस वाले एक हैंडसम लड़के से मिल सके। विशाल जिस तरह से आकाश की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था, उससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। क्या आकाश सच में अनकंफर्टेबल फील कर रहा था या फिर विशाल अंजलि का फ्रेंड है इसलिए उससे दूर हो रहा था ताकि वो उसे सेक्सुअली गलत ना समझे? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पैशन वाला प्यार ओनली ऑन पॉकेट FM। आकाश विशाल को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वो उसे ऊपर से नीचे स्टेयर करता है। वो कुछ वक्त अपनी आंखें बंद करता है और आकाश के साथ इंटीमेट पोजीशन इमेजिन करता है, मगर झट से अपनी आंखें खोल लेता है। वो आकाश के और भी करीब जाता है और उससे बोलता है, तो अंजलि के साथ काम करने में कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हारा? What's wrong with this guy? आकाश उससे इरिटेट होता है। विशाल को आकाश का बिहेवियर अजीब लगता है क्योंकि अंजलि ने तो उसे बताया है कि आकाश एक होमो है, तो आकाश उसके साथ फ्लर्ट क्यों नहीं कर रहा था? उसने देखा कि आकाश उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तुम हमेशा यहाँ आते हो? आकाश पूछता है। हाँ, मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। मुझे अंजलि को अक्सर देखना अच्छा लगता है। कभी कभी जब भी वो कहती है मुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि अंजलि एक आलसी लड़की है। जब इस तरह की चीजों की बात आती है मैं तो समय समय पर उसके घर की सफाई में उसकी मदद तक करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आकाश विशाल की बात काटते हुए बोलता है, मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम कैसे अंजलि की प्राइवेसी में उसकी मदद करते हो। विशाल हैरानी से उसे देखता है। आकाश बड़ी तेज निगाहों से विशाल की तरफ देखता है। आकाश का ये रूप देखकर विशाल भी थोड़ा डर जाता है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे निकलना है। अंजलि को प्लीज कह देना कि मैं उसे कॉल करूंगा। आकाश के निकलते ही अंजलि डिशेज लेकर बाहर आती है। आकाश कहाँ चला गया? अंजलि इधर उधर देखती है और विशाल से पूछती है। वो निकल गया, उसने कहा है कि वो तुम्हें कॉल करेगा, विशाल बताता है। तुमने क्या किया विशाल? अंजलि विशाल को जानती है, उसे पता ही था कि विशाल ने जरूर उसे इरिटेट किया होगा। क्या? कुछ नहीं, मैं तो बड़ा मैनली बिहेव करता हूँ और तुम तो जानती हो कि मैं खुद को कितना लो प्रोफाइल रखता हूँ, विशाल ने अपने बचाव में कहा। विशाल एक सर्टिफाइड होमो था, लेकिन वो नॉर्मल और एक जेंटलमैन की तरह काम करता था। वो एक अच्छे मस्कुलर बॉडी के साथ बहुत फिट था और नेचुरली हैंडसम था। वो रेगुलर अपनी बॉडी को फिट रखने और अपने सेकंड पर्पस को पूरा करने के लिए जिम जाता था, क्योंकि जिम में ही वो अपनी आंखों को सेकने का काम करता था। यहाँ आकाश बहुत ज्यादा गुस्से में था। आकाश तेजी से अपने केबिन में एंटर करता है और अपने कोट के बटन निकालकर अपने चेयर पर बैठ जाता है। तभी वहाँ अली आता है। आकाश ऐसे गुस्से में हो तो अली ही उसे आराम से संभाल सकता है। अली सच में बहुत काम इंसान है और आकाश छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने वाला इंसान है। अली देखता है कि आकाश बहुत नर्वस लग रहा है। उसे पता था कि आकाश अभी अभी अंजलि के घर से आ रहा है, क्योंकि आजकल आकाश को अंजलि की बातें ही ज्यादा अफेक्ट कर रही थी। तभी अली का मैसेज टोन बजता है। वो राजेश का मैसेज था। एक और आदमी है जो मिस अंजलि के घर हमारे वहां पहुंचने के बाद पहुंचा। एक माचो मैन है। अली को जैसे एक गुदगुदी होती है, वो जोर से हंस पड़ता है। What's funny? अली को ऐसे अचानक हंसता देख आकाश बोलता है, अरे कुछ नहीं, एक फ्रेंड ने मीम शेयर किया है, वही पढ़कर हंसी आ रही है। एनीवे, तुमने अंजलि को कल के डिनर के बारे में बताया है या नहीं? नॉट येट, तुम्हें इन्फॉर्म कर दो, मैंने उसे पहले ही बहुत बार बता दिया है, आकाश इरिटेट होकर जवाब देता है। तुम चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो आकाश? अली ने भोलेपन से पूछा। जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अली आकाश का मजा लेना चाहता था, मगर उसी वक्त उसे एक कॉल आता है जिससे उसके मुंह पर 12 बज जाते हैं। काम डाउन, अब तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। कॉल कट करते ही आकाश को बिना बताए दौड़ते हुए वो ऑफिस से निकल जाता है। आकाश को पता था कि कॉल किसका हो सकता है। आकाश अपना लैपटॉप खोलता है
और मिसेस गरिमा की फाइल्स को लैपटॉप में चेक करता है। मगर आकाश अपने कामों पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसे विशाल की बातें बार बार याद आती है। बॉयफ्रेंड। जब अंजलि स्नैक्स लाने के लिए किचन में निकली तो आकाश को लगा जैसे विशाल की आंखें उसके ऊपर रेंग रही हैं और वो उसे बारीकी से स्कैन कर रही है। वो आदमी क्लियरली उसकी जांच कर रहा था। उसे अजीब तरह से देखने वाली उसकी नजरों से नफरत हो रही थी। कोई लड़का उसके घर के अंदर और बाहर कैसे आ सकता है, और जब वो उसे इस तरह देखता है तो क्या उसे क्रीपी नहीं लगता, उसने चिढ़कर बोला। यहाँ अंजलि के घर विशाल आकाश के बारे में सोच रहा था कि वो शायद अंजलि की बात गलत समझा है। अंजलि ने बताया है कि आकाश गे है, मगर उसे वैसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था। अंजलि विशाल का चेहरा देखकर समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक विशाल जोर जोर से खांसने लगता है। तुम्हें पानी चाहिए? अंजलि विशाल को देखकर पूछती है और पीठ को रब करती है। हो सकता है किसी ने मेरे बारे में बुरा सोचा हो या मुझे शाप दिया हो। लगता है वो आकाश ही होगा, विशाल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अंजलि ने हंसते हुए पूछा, अब नाराज होना बंद करो, एक्चुअली वो काफी लाइकेबल है और अगर तुम उससे फिर से मिलते हो तो तुम जरूर उसे पसंद करोगे। जरूर कोई इमरजेंसी रही होगी तभी उसे निकलना पड़ा। तुम मुझे उसके साथ क्यों जोड़ती रहती हो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो सच में होमो है या नहीं। मुझे लगता है कि वो शायद बाइसेक्सुअल हो। उसका गे होना अफवाह भी तो हो सकती है। आमतौर पर ऐसे सेलिब्रिटीज को इन सब बातों को फेस करना पड़ता है, और खासकर तब जब उनके साथ कोई लड़की ना हो। हो सकता है कि वो तुम जैसा हो, मतलब तुम्हारे जैसे ट्रॉमा में हो, या ये भी हो सकता है कि वो इन सब बातों में इंटरेस्टेड ही ना हो क्योंकि वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है, विशाल ने सीरियस टोन में कहा। वो अंजलि की कहानी के बारे में जानता था। उसे किसी भी आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा क्यों नहीं था? उसकी नजर में एक आदमी के साथ रिलेशन बनाना ट्रैश था। उसे लगता है कि सब पहले मीठी बातें करके लड़कियों को फंसाते हैं और बाद में अपने असली रंग दिखाते हैं। सभी आदमी असलियत में एक जैसे होते हैं, बदतमीज, जो एक औरत के दिल को एंडलेसली हर्ट करते हैं। अंजलि बेशक एक बहादुर लड़की थी, लेकिन उसने अपने लाइफ में जो कुछ भी देखा था उसके बाद भी वो अपना दिल किसी के लिए भी खोलने के लिए तैयार नहीं थी। उसे हर्ट होने का डर था। वो हमेशा लड़कों से चोट खाने के बजाय उन्हें चोट पहुंचाती थी। विशाल ने कई बार देखा था, बहुत से लड़कों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की या मौज मस्ती के लिए थोड़े समय के रिलेशन में उसे फुसलाया। ये आकाश लकी था कि वो अंजलि से कॉन्टैक्ट रखने में सफल रहा था, क्योंकि अंजलि ने शुरू में उसे एक होमो सोचा था, इसलिए आकाश में उस तरह का कोई लक्षण या वाइब्स बिल्कुल नहीं लगे और इसलिए वो आकाश से सेफ फील करती है। विशाल ने मुड़कर अंजलि की ओर देखा, जो अभी भी एक रियलिटी शो देखने में बिजी थी। अंजू, लुक एट मी, उसने टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए फर्मली कहा। वाई, तुम्हें निकलना है क्या? विशाल उसकी तरफ देखकर आगे बोलता है, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ आकाश की गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही हो और तुम इस बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, है ना? और तुम ये सब उन सभी लड़कियों को खत्म करने के लिए कर रही हो जो उसे और उसके पिता को शांति से रहने दे और उसे डेट्स पर भेजने के लिए ना कहा जाए। और तुम ये भी मानती हो ना कि उसके होमोसेक्सुअल होने के रूमर को तोड़ने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है, उसने लगातार सवाल किए। अंजलि ने उसकी सीरियस बातों को सुना तो वो मुस्कुराई और हाँ में सिर हिलाया। और तुम उसकी प्रेजेंस से ओके हो? और यहाँ तक कि वो तुम्हारे करीब आ सकता है क्योंकि तुम मानती हो कि वो मेरे जैसा होमोसेक्सुअल है? तुम्हें ऐसा लगता है कि उसे तुम्हारे लिए किसी भी तरह की रोमांटिक फीलिंग्स आ नहीं सकती और ना वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, विशाल ने आगे पूछा। अंजलि उसके सवालों से घिर गई और उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उससे ऐसी सारी बातें क्यों पूछ रहा था। ऑफ कोर्स विशाल, तुम मुझसे फिर से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या मैंने तुम्हें पहले ही ये सब नहीं बताया था? अंजलि ने बुदबुदाया और चिप्स खाते हुए अपना ध्यान फिर से टीवी की ओर लगाया। लेकिन विशाल उसकी लापरवाही से निराश था और उसकी ओर से राइट रिएक्शन ना मिलने पर उसने टीवी का पावर बटन बंद कर दिया। विशाल, अंजलि ने चिल्लाया और उस पर एक तीखी नजर डाली। ये उसका फेवरेट शो था और उसे कई दिनों के बाद देखने का टाइम मिला और वो उसकी मस्ती को खराब करने पर तुला था। वो टीवी बंद कर ही कैसे सकता है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुरंत अपने घर से बाहर निकाल दूं? अंजलि ने फुसफुसाया। विशाल ने खुश होकर उसे अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने शकी निगाहों से अंजलि को गौर से देखा। ऐसे क्यों देख रहे हो? अंजलि चिढ़ गई। मुझे पहले जवाब दो, विशाल आगे बोला। व्हाट इफ आकाश होमो ना हो, क्या तुम फिर भी उसकी हेल्प करोगी और उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक जारी रखोगी? विशाल ने पूछा। ऑफ कोर्स नॉट, अंजलि जवाब देती है।
तुम्हें उसे कंपनसेट करना है और अगर तुम उसकी कंडीशन से अग्री नहीं करती तो वो तुम पर हैरेसमेंट का केस करेगा और तुम्हारी इंटर्नशिप भी इतने बड़े फर्म से चली जाएगी। ओ यस राइट, मुझे अभी भी उन कंडीशन से अग्री होना होगा, लेकिन अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड का नाटक करूंगी तो भी मैं उससे कुछ दूरी बनाए रखूंगी और उसके साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं रखूंगी। शायद मैं उसके सामने इतना फ्रीली और इजी नहीं रहूंगी, ऑब्वियसली कोई किस नहीं करूंगी, और अगर वो स्ट्रेट है तो मैं खुद को और अपने छोटे दिल को उससे बहुत अच्छी तरह से बचाऊंगी, जैसे हमेशा करती हूँ। वैसे भी किस ही तो है, अंजलि ने बचाव में कहा। विशाल ने अंजलि की इतनी आसान डेफिनेशन पर अपनी आंखें घुमाई। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या इसे लक कहा जाता है कि एक इतनी स्मार्ट लड़की के पास लगभग दिमाग ही नहीं था और कुछ रूमर्स पर भरोसा किया कि आकाश होमोसेक्सुअल है। ओके, लेट्स वेट एंड वॉच देन। मुझे लगता है कि तुम अपने आप से लॉयल नहीं हो। जब तुम इस तरह झूठ बोलती हो तो मैं तुम्हें समझ नहीं पाता, विशाल ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा। अंजलि हंसी और विशाल पर अपनी बाहें लपेट ली। उसने अपना सिर उसके शोल्डर पर रख दिया। तुम मुझे जानते हो विशु, मैं कभी भी किसी भी लड़के के बहुत करीब नहीं जाती। तुम और दानिश मेरे लाइफ के इस रूल के दो एक्सेप्शन हो। वेल, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने आकाश को भी इसी स्पेस में शामिल करना शुरू कर दिया है। मुझे उसके आसपास हुए बहुत कम समय हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके इनर पर्सनालिटी को अच्छी तरह से जान गई हूँ। वो एक जेंटलमैन है और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, वो सच में रिस्पेक्टेबल, ट्रू और बहुत जेंटल है। फिर भी अगर किसी दिन मुझे पता चला कि वो एक स्ट्रेट है और होमो नहीं है, मैं डेफिनेटली उससे दूरी बनाए रखूंगी, शायद आकाश से दूर भाग जाऊंगी। और विशाल, बाबा जी ना करे, लेकिन अगर मुझे उसके लिए कुछ फील होने लगे तो तुम जानते हो कि मैं उस सब से बचने के लिए कुछ भी करूंगी। अंजलि ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और आह भरी। विशाल ने अंजलि को कामली देखा और उसी वक्त उसके दिमाग में चीजें बहुत क्लियर हो गई। वो और अंजलि दोनों जानते थे कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो एक लड़के के लिए अपनी फीलिंग से जुआ खेले। उसने एक बार कसम खाई थी, वो कभी भी किसी भी बेकार लड़के के प्यार में टूटने का दर्द खुद को नहीं होने देगी। उसने फैसला किया था कि वो किसी भी लड़के पर अपना दिल और फीलिंग्स को वेस्ट करने के बजाय जिंदगी भर अकेले रहना पसंद करेगी। वो जानती थी कि खुश कैसे रहना है, उसे इस लाइफ में खुद के अलावा किसी लड़के की जरूरत नहीं थी। मगर कहीं ना कहीं आकाश अंजलि के लिए फील कर रहा था। क्या आकाश अपनी फीलिंग्स के बारे में अंजलि से कहेगा? क्या अंजलि आकाश को ये बता पाएगी कि उसकी जिंदगी में उसके लिए उसका काम ही सब कुछ है? क्या आकाश अंजलि का दिल तोड़ेगा? क्या अंजलि को आकाश की सच्चाई पता चलेगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पैशन वाला प्यार ओनली ऑन पॉकेट FM। पूजा के कॉल की वजह से अली भागा भागा उसने बताए हुए कैफे में पहुंच गया। फोन पर उसकी आवाज काफी डरी हुई सी लग रही थी। वो झट से उसके करीब पहुंचता है और उससे पैनिक होकर पूछता है, What happened? तुम ठीक तो हो ना? अली को देखकर पूजा के चेहरे पर एक राहत आती है कि उसके बुलाने पर अली आ ही गया। वो अपनी खुशी छिपाते हुए कहती है, तुम आ गए? पूजा की दबी हुई आवाज सुनकर अली आगे बोलता है, ऑफ कोर्स, तुमने कॉल किया कि तुम्हें हेल्प चाहिए। पूजा हल्के से उसके कानों में कहती है, मेरी हील्स टूट गई है। बस इतना ही? पूजा का जवाब सुनकर अली चौंक जाता है। अली लिटरली पूजा के ऐसे आवाज से भागता हुआ आया था और यहाँ आकर उसे पता चलता है कि सिर्फ हील्स, चलने में एम्बैरेसिंग लगता है, पूजा मुंह बनाकर कहती है। पूजा, तुम्हारे पास तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट है, तुम उसे कॉल कर लेती, मुझे डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें पता है ना, मुझे आकाश के साथ कितने सारे काम करने हैं, आइंदा इतनी छोटी सी बात पर मुझे बिल्कुल कॉल मत करना, समझी? पूजा हमेशा ही अली को परेशान करती है। आज वो उसे बहुत मिस कर रही थी और उससे मिलना चाहती थी। ऐसे ही बुलाती तो वो नहीं आता, इसलिए उसने थोड़ा जुगाड़ करके अली को बुलाया था और वो काफी खुश थी कि अली उसके लिए सोचता है और उसके बुलाने पर वो आ भी जाता है। अली की बातों को सरासर इग्नोर करती है और मन में कहती है, बिजी थे फिर भी आ ही गए ना। पूजा ने बाद में बेबसी से अली को देखा और सोचा कि उसे अली को अपना बनाने के लिए कितनी कोशिश करनी होगी कि वो खुद अपने दिल की बात मुझसे कहे। वो महसूस कर सकती थी कि अली उसकी परवाह करता है, उसकी नजर में वो कोई खास है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसके लिए अपनी फीलिंग्स को क्यों अवॉइड कर रहा है। अली की पूजा की तरफ होने वाली सारी हरकतें ये चीख चीख कर बयां करती थी, लेकिन वो अली से उसकी आवाज में सुनना चाहती थी। वो अब ये नहीं गिन सकती थी कि अली ने उसे कितनी बार रिजेक्ट कर दिया था इस बात के लिए कि वो उसके लिए सिर्फ एक सिस्टर की तरह थी, मगर पूजा इस बात को हरगिज नहीं मान सकती थी।
उसे पता था कि कहीं ना कहीं अली भी उसे पसंद करता है, मगर वो क्यों नहीं कहता उसे समझ नहीं आ रहा है। अली, तुम्हें पता है कि तुम मेरे सबसे फेवरेट पर्सन हो, और कोई भी बड़ी या छोटी चीज हो या कोई इमरजेंसी हो तो मैं हमेशा तुम्हें ही बुलाऊंगी, जैसे आज बुलाया, पूजा अली की आंखों में देखकर बोलती है। और ये कहीं ना कहीं सही भी है। अली अपनी सीट से उठकर उसकी तरफ झुककर उसकी आंखों में देखकर प्यार से कहता है, चलो मैं तुम्हें नए हील्स दिलवा देता हूँ, और जैसे कि तुम्हें मेरे शूज नहीं आ सकते और तुम्हें चलने में एम्बैरस्ड लगता है तो मैं तुम्हें पीठ पर उठाकर शॉप तक ले चलता हूँ। पूजा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो बहुत खुश हो जाती है कि अली उससे इस तरह से और उसे उठाने की बात कर रहा है। और अली ने पूजा को कैफे में ही अपनी पीठ पर उठा लिया। वैसे अली खुद जाकर हील्स खरीद कर दे सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने पूजा को अपनी पीठ पर उठा लिया। जैसा कि दोनों बचपन में खेलते थे, अली अक्सर पूजा को अपने कंधे पर उठाता या पीठ पर लेता और गार्डन में भागता फिरता, वैसे ही वो आज उसे शॉप तक ले जा रहा है। कैफे से बाहर निकलते ही सारे लोग दोनों की तरफ घूरने लगते हैं, मगर वो किसी की परवाह नहीं कर रहा। दोनों बस चलते जाते हैं। पूजा ने अपना चिन उसके शोल्डर पर रखा। तुम अपने सैंडल्स तोड़ कैसे देती हो, वो ब्रांडेड होते हैं, अली पूजा से पूछता है। आई डिडंट, मैंने शायद ओवर यूज किए हैं और शायद मैंने वो जानबूझकर तोड़े हैं ताकि तुम मुझे इस तरह से अपनी पीठ पर उठा सको। मैंने ये सब बहुत मिस किया अली, तुम्हें याद है तुम बचपन में जब मैं रोती थी तो मुझे ऐसे ही अपनी पीठ पर उठाते थे, और बड़ी होने के बाद तब जब मैं बहुत ज्यादा पी लेती थी, मुझे शायद फिर से बहुत ज्यादा पीनी चाहिए। अली चुप था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो गहरी सोच में था, और वो जब भी चुप हो जाता है तो पूजा ये बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि अली एक चुलबुला लड़का है जिसका मुंह बात करते करते कभी नहीं थकता। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो अली, तुमने मुझे पहले से ही बहुत इंतजार करवाया है, मैं बूढ़ी नौकरानी नहीं बनना चाहती। स्टॉप दैट पूजा, या मैं तुम्हें अभी नीचे फेंक दूं और तुम्हें यहाँ छोड़ दूं, अली ने धमकी दी। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए बेकार में ही रुकी हुई हूँ, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करते। डोंट वरी, मैं अच्छा बॉयफ्रेंड ही चुनूंगी, पूजा सीरियस टोन में कहती है। अली ने उसकी बातों को इग्नोर किया, क्योंकि पूजा हमेशा ही ऐसा कहती है, तो ये उसके कानों के लिए कुछ नया नहीं था। पूजा हमेशा ही बड़ी बड़ी बातें करती है, मगर उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो किसी और को चूज करे। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मार्क माय वर्ड, अब मैं सिर्फ कहूंगी नहीं करके दिखाऊंगी, और तुम ये डायलॉग आखिरी बार सुन लो, क्योंकि अब ऐसा सच में होगा, पूजा ने धमकी दी। पूजा, तुम इतनी मोटी कब से हो गई, अली टॉपिक डाइवर्ट करते हुए कहता है। ओए मोटी मत कहो, मैं सेक्सी हूँ और हमेशा डाइट पर रहती हूँ, मैं बिल्कुल भी भारी नहीं हूँ, लेकिन तुम कमजोर हो रहे हो, तुम्हें मैं अभी से भारी लग रही हूँ, तुम्हें आगे भी मेरा वजन झेलना है, तुम्हें और जिम करना चाहिए, करोगे ना, पूजा नॉटी होकर कहती है। अली खुश हो जाता है कि उसने फिर से पूजा को अपने टॉपिक से सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया। अब अंजलि के घर से विशाल निकल चुका है, और अंजलि आकाश के दिए हुए काम पर फोकस कर रही है। मिस गरिमा की फाइल्स को ध्यान से समझने की कोशिश कर रही है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ फोटोग्राफ्स भी थे। मिसेस गरिमा काफी इनोसेंट लगती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। उसने उसकी लाइफ में ये सबक सीखा है, किसी अनजान व्यक्ति को उसके बाहरी रूप से नहीं जज करना चाहिए, क्योंकि किसी का भी दिमाग पढ़ा नहीं जा सकता। क्रिमिनल गरिमा पूरी तरह से तबाह दिख रही थी, और उसका हल्दी वाला पीला ड्रेस खून की वजह से लाल हो गया था। वो चिल्लाती रही कि उसने कुछ नहीं किया। उसने अपने बयान में कहा कि वो किसी तरह होश खो बैठी थी, और बाद में जब वो जागी तो उसके हाथ में चाकू था, और उसके बगल में उसका पति पूरी तरह से अपने ही खून में डूब गया था। अंजलि समझ नहीं पाती कि आकाश को क्यों लगता है कि वो केस जीत सकता है, क्योंकि उसे सारे सबूत या सारे निशान गरिमा के अगेंस्ट ही लग रहे हैं। वो फिगर आउट करने की कोशिश करती है कि ऐसा क्या दिख रहा है कि आकाश को अभी भी होप है। उसकी कंसंट्रेशन को अंजलि को आया हुआ कॉल डिस्टर्ब करता है। वो थोड़ी सी इरिटेट होकर कॉल देखती है और बोल पड़ती है, अब इसने क्यों कॉल कर लिया। हेलो, अंजलि कॉल का जवाब देती है। तुमने अपना काम खत्म कर लिया, हमें उस पर काम करना है, उधर से आवाज आती है। आकाश के पूछने से अंजलि मन ही मन सोचती है, क्या मैं छोटी बच्ची हूँ जो ये मुझे बार बार पूछ रहा है कि मैंने अपना असाइनमेंट खत्म किया या नहीं। हाँ मैं खत्म कर लूंगी, गुड, आकाश बोलता है। और कुछ, अंजलि आकाश से इरिटेट होकर पूछती है। अबाउट टुमारो, डैड चाहते हैं कि तुम लंच पर हमारे घर आओ और डिनर तक रुको अगर तुम फ्री हो तो। अंजलि को डिनर के बारे में याद दिलाते ही अंजलि के मन में शैतानी थॉट आता है। वो सोचती है कि जब आकाश मेरे घर पर आया था तब उसने मेरे माँ के साथ स्वीटली बिहेव करके काफी मजे लिए,
तो इस बार मैं भी रिवेंज लूंगी। इट्स रिवेंज टाइम बॉस। श्योर, मैं जरूर आऊंगी, अंजलि आकाश को जवाब देती है। अंजलि का कॉल खत्म करते ही आकाश अंजलि के डेस्क की तरफ देखता है, जहां अंजलि शॉर्ट्स में बैठी हुई है और अपने लेग्स को आहें भरते हुए मसाज कर रही है। आकाश हमेशा की तरह उससे अट्रैक्ट होता है और उसकी सेक्सी लेग्स को अपने हाथों से मसाज करना चाहता है, मगर वो जैसे ही उसकी तरफ जाने के लिए चेयर से उठने लगा, तभी अंजलि झट से गायब हो गई। आकाश समझ गया कि ये उसकी इमेजिनेशन है। अंजलि यहाँ कैसे हो सकती है? वो काफी हॉट सेंसेशन फील करता है, अपनी टाई ढीली करता है, यही नहीं बल्कि अपना कोट भी उतार लेता है। फिर भी वो अनइजी फील करता है। वो फिर चेयर से उठकर बड़ी ग्लास वॉल की तरफ मुड़ता है, सोचता है कि वो उसके इमेजिनेशन से भी हॉट सेंसेशन फील कर पा रहा है। अगर वो सच में मेरे सामने आ जाए तो क्या होगा? उसे अपनी बगल में किसी का हाथ महसूस होता है। वो हाथ उसे कसकर पकड़ रहे हैं। वो फिर भी थोड़ा मुड़कर देखता है कि अंजलि उससे लिपटी हुई है, वो भी पार्टी वाले ड्रेस में, जिसे आकाश ने पसंद नहीं किया था, लेकिन वो चाहता था कि वो सबको अपनी सेक्सी फिगर ना दिखाए। उस पर तो सिर्फ उसका हक है। आकाश अंजलि को आह से गले लगाते हुए देखता है तो और भी अपने सेंसेशंस खोने लगता है। वो उसके गाल को अपने हाथ में लेकर उसके होठों को चूमना चाहता है, मगर वो अपना हाथ छुड़ाए उससे पहले अंजलि गायब हो गई। वन वे ग्लास से दिखी हुई अंजलि दिखती है। आकाश अब बहुत बेचैनी महसूस करता है, उसका खुद पर से आपा खोने लगा था। वो आगे पीछे चलने लगता है, तभी वहां अली आता है और आकाश को ऐसा देख वो भी बेचैन सा होता है। तुम ठीक तो हो ना? अली आकाश से पूछता है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, आकाश अली पर चिल्ला पड़ता है। आगे कुछ भी बोलने से अली की एक्साइटमेंट और बढ़ सकती है, इसलिए आकाश ने झुंझलाहट में अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर अली को झुंझलाहट का अंदाजा था। उसे जैसे ही लगता कि कुछ गड़बड़ जरूर है तो वो उस पर पलटवार करने से कभी नहीं चूकता, क्योंकि उसके हाथ में वन वे ग्लास का वाइल्ड कार्ड है। अली अंदर ही अंदर गुदगुदाया। मैंने अभी एक फ्रेंड से कुछ इंटरेस्टिंग सुना, उसने भी कल की पार्टी अटेंड की थी। उसने मुझसे कहा कि तुम किसी लड़की के साथ किस कर रहे थे और प्रोबेबली तुम उसी के बारे में सोच रहे हो। राइट भाई, तुम दोनों ने कितनी देर किस किया? क्या वो पैशनेट थी, या उसने भी तुम्हें उसी जुनून के साथ किस किया, या तुम उसे डोमिनेट कर रहे थे? मुझे लगता है कि अब हम तुम्हारी पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन से विमेन एटीट्यूड के हेट्रेट को दूर करने के लिए तैयार हैं। मैं कहूंगा कि ये कोई हेट्रेट नहीं बल्कि सिर्फ लेट ब्लूमिंग है। अली ने आकाश पर शरारती मुस्कुराहट के साथ चमचमाती हुई नजरों से गोली चलाई। तुम पहले तुम्हारी गर्ल के एटीट्यूड के बारे में समझो, ताकि तुम बार बार बकवास करना बंद कर दो, आकाश ने चिल्लाते हुए अली से कहा, जबकि अली शांति से चेयर पर बैठ गया। मुझे लगता है कि तुम अभी भी दुविधा में हो आकाश। यू गाइस आर डेस्टाइंड टू बी टुगेदर। मुझे कहना होगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही मैच हो। मैं तो देखना चाहूंगा कि कौन अपने प्राइड को साइड में रखकर अपनी फीलिंग को जाहिर करेगा, अली ने आकाश के खट्टे चेहरे का मजा लेते हुए चिढ़ाया। मे बी आफ्टर यू डरपोक अली, आकाश ने सरकास्टिकली कहा। फिर उसने पूछा, पूजा को क्या हुआ? जहां तक मुझे पता है तुम ऐसे भागकर सिर्फ पूजा का कॉल आने पर ही जा सकते हो। आई नो यू, आकाश ने अली से वही पूछा जिससे वो उसे चिढ़ाना बंद कर सके। वो अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता था। दरअसल पूजा सिर्फ अली का अटेंशन पाना चाहती थी। क्या अली सच में पूजा को एज अ सिस्टर ही ट्रीट करता है? और कल जब अंजलि लंच के लिए घर आएगी तब क्या होगा? क्या वो बदला लेगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पैशन वाला प्यार ओनली ऑन पॉकेट FM। अंजलि आज जल्दी उठ गई थी और अपनी रूटीन जॉगिंग के लिए निकल जाती है। उसने तय किया है कि आज वो बाहर ही नाश्ता करेगी, इसलिए वो जॉगिंग के बाद विशाल के कैफे में जाने वाली थी। अंजलि कैफे में पहुंचते ही ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती है। विशाल उसे देख खुश होता है और चीयरफुल बोलता है, गुड मॉर्निंग सेक्सी, क्या तुम आज फ्री हो? विशाल पूछता है। नो, अंजलि जवाब देती है। क्यों, तुम अपनी मॉम से मिलने जा रही हो? विशाल पूछता है। अंजलि खाते खाते ना में सिर हिलाती है। विशाल को जानना है कि वो आज कर क्या रही है। तो फिर, अरे, अंजलि अपने मुंह का निवाला खत्म कर बताती है, आकाश के साथ लंच के लिए जाना है। ओ डेट, विशाल उसे चढ़ाते हुए कहता है। नहीं रे, सुन तो ले पूरी बात, अंजलि उसे पूरी बात बताती है। ओ तो तुम अपने इन-लॉज से मिलने जा रही हो? विशाल अपनी आंखें ब्लिंक करके बोलता है। शट अप यार, अंजलि विशाल को डांटती है।
कैसी लड़की हो तुम, तुम्हें उसके बारे में कंफर्म भी नहीं है कि वो गे है या नहीं, और तुम उसी के साथ घूमने जा रही हो। तुम जब उसे मिलोगी ना तो उसे पूछ लो एक बार, गलतफहमी दूर हो जाएगी। विशाल सजेस्ट करता है, हाँ हाँ जैसे ही वो मुझे मिलता है मैं उससे पूछ लूंगी अब, ठीक है। अंजलि इस बारे में सोचती है, वो मन ही मन ये चाहती है कि आकाश स्ट्रेट ना हो, क्योंकि वो उसके साथ काफी कंफर्टेबल हो गई थी, और अगर ये बात सच निकली तो वो अपना कंफर्ट जोन मिस करेगी, और वो किसी स्ट्रेट लड़के के साथ गर्लफ्रेंड होने का नाटक बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और ऊपर से एक ही केबिन में काम करना बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए ये सब काफी ऑकवर्ड हो जाएगा। अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके और विशाल से कुछ और बातें करके वहां से अपने घर के लिए वो निकलती है। वो आकाश की फैमिली से लंच मीटिंग पर मिलने के लिए एक कैजुअल ड्रेस चूज करती है। वो मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और अपने फिगर को एडमायर करती है। वो सोचती है कि वो बिना मेकअप के भी कितनी ब्यूटीफुल लगती है। वो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना कभी नहीं भूलती। अंजलि अपनी खूबसूरती पर इतरा रही थी तभी घर की डोरबेल बजती है। टाइम पर आ गया। अंजलि टाइम देखती है और मन ही मन कहती है, और जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। लेट्स गो, आकाश बाहर खड़े रहकर ही अंजलि से कहता है। उसके बाद उसे सर से पैर तक निहारता है और उसकी ब्यूटी को कुछ सेकंड्स में अपने दिलो दिमाग में भर लेता है। अंजलि दरवाजा बंद करके उसके पीछे चलती है और दोनों कार के पास आते हैं। आकाश ड्राइवर सीट पर बैठता है और उसके लिए उसके साइड वाला डोर खोलता है। राजेश नहीं आया? अंजलि ड्राइवर को ना देखकर पूछती है। नहीं, वीकेंड पर मैं अक्सर खुद ड्राइव करना पसंद करता हूँ, आकाश जवाब में बोलता है। आकाश देखता है कि अंजलि अंदर आने से पहले सीट के ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ देख रही है। उसे वो अजीब लगता है। वो उससे पूछ लेता है, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारी कार में कोई खाने का टुकड़ा या फिर कुछ ऐसा जिससे चींटियां आ सके वो देख रही हूँ, अंजलि सीट के नीचे देखते हुए कहती है। व्हाट? आकाश सरप्राइज होकर पूछता है। अरे तुमने कल मेरी फोरहेड पर चींटी देखी थी ना, मैं नहीं चाहती तुम परेशान हो, अंजलि सीट पर बैठने से पहले उसकी ओर देखकर बोलती है। आकाश हड़बड़ा जाता है और उससे कहता है, नहीं अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि राजेश ने कल ही कार क्लीन कर ली है, तो बैठ जाओ। अंजलि आकाश के साइड की सीट में बैठ जाती है। पूरे रास्ते दोनों में एक लंबी खामोशी थी। अंजलि तुम जैसी हो वैसे ही बिहेव करना मेरे फैमिली मेंबर्स के सामने, और ज्यादा फ्रेंडली होने की कोई जरूरत नहीं है। आकाश अपनी फैमिली के सामने आने से पहले उसे इंस्ट्रक्ट करता है। आकाश अपने फैमिली मेंबर्स के सामने अंजलि से दूर रहना चाहता है, क्योंकि वो जब भी उसके पास आता है तो आकाश अपना आपा खोने लगता है, इसलिए वो उसे पहले से ही इंस्ट्रक्ट कर रहा है। अंजलि के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी। वो सोच रही थी कि तुम जब मेरी मॉम के सामने स्वीट बन सकते हो तो क्या मैं तुमसे तुम्हारे फैमिली मेंबर के सामने तुम्हें स्वीटली ट्रीट भी ना करूं? आकाश अंजलि के चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान देख सकता है। अंजलि मन ही मन खुश होती है और आकाश का वो उजड़ा हुआ चेहरा इमेजिन करती है। वही बात सोचकर अंजलि मुस्कुरा रही है तभी एक बड़ा सा गेट कार के अंदर जाने के लिए खुलता है और कार वहां से स्कैन होकर अंदर जाती है। गेट पर खड़ा गार्ड आकाश को देखने नीचे झुकता है और कंफर्म करने के बाद ही कार अंदर जाती है। गेट अपने आप खुल गया। सहगल मेंशन एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। मेन मेंशन तक पहुंचने के लिए अभी भी अंदर एक छोटा सा रास्ता था। गेट से लेकर मेंशन तक की बड़ी खुली जगह के बीच फूलों के गार्डन के साथ एक बड़ा फलों का गार्डन बहुत ही खूबसूरती से फैला हुआ था। ये मेंशन तीन हाउसहोल्ड में बटा है, वो अंजलि को बताता है। मेंशन में तीन बड़े बड़े घर उनकी फैमिली में बटे हुए थे। आकाश का अपना एक अलग घर था, अली का लेफ्ट में और उसका राइट में, और बीच वाला जो था वो उसके डैड और पूजा शेयर करते थे। लेकिन उसके पिताजी हमेशा से चाहते हैं कि घर भले ही अलग अलग हो लेकिन कनेक्शन नहीं टूटने चाहिए, और उन्होंने सबको बता रखा है कि सारे फैमिली मेंबर्स ब्रेकफास्ट लंच डिनर एक साथ पूजा के और उनके घर में करेंगे। अच्छा तो अली तुम्हारा फैमिली मेंबर है? अंजलि अली के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड होती है। आकाश कार रोकता है और बाहर निकलता है। अपनी गाड़ी की चाबी सामने खड़े एक लड़के को देता है। वो अंजलि का डोर ओपन करने बढ़ता है, उससे पहले अंजलि खुद ही बाहर निकल आती है। चारों ओर फूलों की सुंदरता के साथ इस तरह के एक खूबसूरत घर को देखकर वो हैरान रह गई। इससे पहले कि वो फलों के गार्डन की तरफ देखे, उसे उसकी तरफ बढ़ती कुछ आवाज सुनाई दी। वो चौंक गई जब उसने देखा कि उसकी ओर एक इंसान अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसका वेलकम कर रहा है। वेलकम अंजलि। अंजलि को बहुत अच्छा लगता है कि उसने आकाश के पिताजी मिस्टर सहगल को इतने करीब से देखा, क्योंकि वो उनका बहुत आदर करती थी। वो उन्हें मिलकर बहुत खुश थी और अपना ग्रैंड वेलकम एंजॉय कर रही थी। आकाश के डैड के साथ वहां पर अली भी खड़ा था। दोनों को एक साथ खड़ा हुआ देखकर उसे एक पल के लिए मिस्टर सहगल का चेहरा अली जैसा लगता है, और सोचती है
कि आकाश इन पर बिल्कुल नहीं गया है। दोनों से हैंडशेक करने के बाद पीछे से एक ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लड़की उनकी तरफ चली आती है। वो अंजलि को गले लगाकर हग करती है। ओ अंजलि, फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई। ओ गॉड, तुम कितनी नेचुरल लगती हो, इसीलिए भाई तुम्हें लाइक करते हैं। पूजा अंजलि को कॉम्प्लीमेंट देती है और उसके इस कमेंट से अंजलि ना चाहते हुए भी अनजाने में ब्लश करती है। बाय द वे, आई एम पूजा, आकाश की बहन, एंड ये हमारी डैड, जो तुमसे मिलने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि खुद को इंट्रोड्यूस करना ही भूल गए। ओ यस, माय बैड, आकाश के डैड हंसकर कहते हैं। वो उसकी रियल गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी उसका इतना अच्छा वेलकम किया। वे इतने सिंसियर लग रहे थे और जिस तरह से उन्होंने अपने घर में उसका स्वागत किया, उससे अपनापन महसूस हुआ। चलो अंदर चलते हैं, आकाश के डैड ने स्माइल करते हुए आगे बढ़कर कहा और वो दोनों मेंशन के अंदर चले गए। आते ही अंजलि ने आकाश की तरफ देखा तो आकाश का चेहरा पूरी तरह से ब्लैंक था। वो देखती है कि पूजा और आकाश बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते। और तभी आकाश के डैड अंजलि से कहते हैं, मैंने हमारे बेस्ट शेफ को स्पेशल फूड बनाने के लिए कहा है, मैं आशा करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। हम सबसे पहले लंच करेंगे, डाइनिंग एरिया की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। वो डाइनिंग एरिया की तरफ चलने लगते हैं और वो देखती है कि पूजा उससे बिल्कुल छिपकली की तरह चिपकी हुई है। पूजा काफी चिपकू लग रही थी, लेकिन क्यूट लग रही है, और अंजलि को ये सब अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि आज मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाली हूँ, अंजलि मन ही मन सोचती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं। अंजलि देखती है कि टेबल पर बहुत सारा खाना बहुत ही खूबसूरत क्रॉकरी में रखा हुआ है। ये सब डिलीशियस लग रहा है सर, अंजलि ने कॉम्प्लीमेंट दिया। तुम मुझे सर मत कहो प्लीज, मुझे डैड ही कहो अंजलि, आकाश के डैड मना करते हुए कहते हैं। अंजलि पहले हिचकिचाती है, लेकिन बाद में बोलती है, नोटेड डैड। आकाश नोटिस करता है कि अंजलि स्वीट बनने की कोशिश कर रही है और देखता है कि उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन थे और अंजलि बार बार उसकी तरफ देख रही है। इसके दिमाग में जरूर कुछ शैतानी चल रहा है, आकाश मन ही मन सोचता है। उसे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है। सब लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठते हैं। डैड सबको खाना शुरू करने के लिए बोलते हैं, लेट्स ईट। मेड सबको फूड सर्व करती है, लेकिन अंजलि आकाश को जानबूझकर अपने हाथों से उसके प्लेट में सर्व करती है। ये देखकर पूजा और डैड एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। उन्हें खुशी थी कि आकाश का ध्यान रखने वाली उसे मिल ही गई। तुम ये क्या कर रही हो, आकाश अंजलि के कानों में बोलता है। लव, तुम्हें हेल्दी खाना चाहिए, और तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे डाइट के बारे में कितनी कॉन्शियस हूँ, सो प्लीज। अंजलि कंफर्टेबल होकर आकाश से कहती है और उसके लिए फ्रूट कट करके अपने हाथों से खिलाती है। आकाश के डैड देखकर बड़े खुश होते हैं कि उनका बेटा एक खूबसूरत लड़की के साथ है जो उसका इतना ध्यान रखती है। ना रहकर वो अंजलि से कहते हैं, आई एम सो ग्लैड कि तुम आकाश की जिंदगी में आई। मुझे लगता था कि मैं अपने बेटे के लिए कभी कोई लड़की ढूंढ ही नहीं पाऊंगा, लेकिन फाइनली वो हमें मिलाने के लिए तुम्हें घर लाया है। ये बिल्कुल भी ब्यूटीफुल या क्यूट नहीं है डैड, ये एक ऐसी लड़की है जो अभी तुम्हें मिसगाइड कर रही है और जेल में बंद कैदियों से कम नहीं। आकाश धीरे से बड़बड़ाता है। आकाश सबको बताना चाहता है कि अंजलि के आने से उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। आकाश ने अंजलि का सर्व किया हुआ खाना खा लिया है। ये देख अंजलि उसे आम का अचार सर्व करती है। ये देखकर पूजा कहती है, तुम्हें भाई ने नहीं बताया कि उसे आम का अचार बिल्कुल भी पसंद नहीं? ओह रियली, तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं? अंजलि आकाश की ओर देखकर पूछती है। आकाश ना में सिर हिलाते हुए स्माइल करता है। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। कोई बात नहीं, आम का अचार सबसे हेल्दी होता है और तुम्हें ये सब खाना ही पड़ेगा। तुम्हारी हेल्थ का सवाल है, थोड़ा ट्राई करो। अंजलि केयरिंग दिखने की कोशिश करती है। वो उसे अपने हाथों से अचार चटाती है। आकाश बिना कुछ कहे टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर अचार को अपने मुंह में लेता है और ना चाहते हुए भी उसे वो खाना पड़ता है। अली देखता है कि आकाश इन सब बातों से काफी इरिटेट हो रहा है, लेकिन आकाश को अचार खाता देख पूजा और डैड पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आकाश ने पिछले कई सालों से अचार की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन पूजा को पसंद था इसीलिए घर में अचार आता था। मिस्टर सहगल को ये देखकर खुशी होती है कि आकाश ने अपनी जिंदगी में जो नहीं किया वो अंजलि की वजह से कर पा रहा है। आकाश के डैड ना रहकर अंजलि से कहते हैं, तुम जब फ्री हो तब हमारे घर आया करो, मुझे अच्छा लगेगा और आकाश को भी अच्छा लगेगा। आकाश अपने डैड की बातें सुनकर चौंक जाता है। नो डोंट, आकाश मना करना चाहता है मगर आगे कुछ नहीं बोल पाता। शायद वो चिल्लाता क्योंकि अंजलि ने उसके थाई को जोर से दबा कर रखा था। व्हाट द हेल, क्या कर रही हो? आकाश अपनी आंखों से बोलने की कोशिश करता है,
उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो अंजलि की तरफ देखता है। यस डैड, मैं जरूर आया करूंगी, अंजलि स्माइल करते हुए बोलती है। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गर्ल, आकाश मन ही मन सोचता है। बाद में तुम आकाश के साथ पूरा मेंशन देख लेना, तुम इवनिंग तक रुक रही हो, ओके? आकाश के डैड स्माइल देकर कहते हैं। अंजलि को ये सब अच्छा लगता है कि उन्होंने उसे अपना मान लिया है और हक से उसे रुकने के लिए कह रहे हैं। आकाश देखता है कि अंजलि अपने आप से कुछ बात कर रही है। उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो कुछ बड़ा करने वाली है। आकाश अब इन सब बातों से कैसे डील करेगा? क्या अंजलि अपने बदले की तैयारी कर रही थी? क्या करेगी अंजलि? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पैशन वाला प्यार ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मिस्टर सहगल दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने अपने बेटे को कभी ऐसा नहीं देखा था। उसकी आंखों में अंजलि के लिए स्नेह दिख रहा है। वो अंजलि को आकाश के लिए पसंद कर चुके हैं। लंच के बाद उन्होंने अंजलि को पूरा घर दिखाने के लिए कहा और दोनों गार्डन की तरफ चले गए। आकाश तो अंजलि को अकेले में डांटने की सोच रहा था, क्योंकि उसने जो हरकत की थी वो आकाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसलिए वो उसे सबसे पहले गार्डन की ओर ले जाता है, जहाँ कोई गार्ड नहीं है। अंजलि गार्डन में पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है। उसे फूल और प्रकृति की खूबसूरती बहुत ज्यादा प्रभावित करती थी। वो जैसे गार्डन में दौड़ने ही लगती है, लेकिन फिर आकाश उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी फैमिली के सामने अच्छी तरह से बिहेव करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें तो किस या हग नहीं किया, तो फिर? अंजलि को पता है कि उसने क्या किया है, फिर भी वो अनजान बन रही है। तुमने मेरी थाई को कितने जोर से पकड़ रखा था, मैं कंट्रोल कर पाया इसलिए ठीक है, वरना क्या होता? आकाश अंजलि पर चिल्लाता है। राजेश को आता देख अंजलि आकाश को इग्नोर करते हुए कहती है, हे, हेलो राजेश, तुम यहाँ? अंजलि स्माइल करते हुए पूछती है। तभी वहाँ राजेश को देख पूजा उसे बुलाने के लिए आती है और दोनों से पूछती है, क्या तुमने राजेश को बुलाया है? अंजलि कहती है, नहीं, मैंने उसे यहाँ देखा जबकि उसे डे ऑफ दिया गया है, इसलिए मुझे सरप्राइज लगा। राजेश को डे ऑफ? पूजा कुछ समझ नहीं पाती, इसलिए पूछती है और आगे कहती है, राजेश हमारे साथ यहीं रहता है, बाकी ड्राइवर और नौकरों की तरह। वो कभी डे ऑफ नहीं लेता जब तक उसे आकाश अपने साथ चलने के लिए नहीं कहता, पूजा एक्सप्लेन करती है। अच्छा, आकाश पूजा को कुछ ना बताने का इशारा करता है, फिर भी पूजा बिल्कुल नहीं रुकती और आगे सब कुछ बताती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पूजा से पूछता है। मैं तुम्हें चाय पीने के लिए बुलाने आई थी। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको थोड़ी देर भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए तो खुद आपको पिक करने आ गए। पूजा बोलने से नहीं चूकती। ये अपनी लव लाइफ पर ध्यान क्यों नहीं देते, बस मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। आकाश खुद से बड़बड़ाया। आकाश पूजा को डांट कर जाने के लिए कहता है और वहां से पूजा और राजेश दोनों निकल जाते हैं। अंजलि इन सब बातों को इग्नोर करती है और रोज के गार्डन में फिर से खो जाती है। गार्डन में चलते चलते अंजलि को विशाल की कही बात याद आती है कि वो आकाश से पूछ ले कि वो एक गे है या नहीं। जैसे ही वो आकाश की तरफ देखने के लिए मुड़ जाती है, आकाश ठीक उसके पीछे ही खड़ा होता है। अंजलि का पैर आकाश के पैर में अटक कर अंजलि नीचे गिरने लगती है। तभी आकाश उसे कमर में कस कर पकड़ लेता है। अंजलि को गुदगुदी होती है, लेकिन इस बार उसको आकाश का टच बहुत सेंसुअल लगा था। वो सीधे खड़ी हो जाती है। अंजलि आकाश को पूछने में थोड़ी हिचकिचाती है। वो उससे डायरेक्ट नहीं पूछ सकती थी, ये काफी सेंसिटिव बात है। वो सोचती है कि कैसे पूछा जाए। फिर वो उससे नजरें ना मिलाते हुए पूछती है, मैं तुम्हें जब किस करती हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है? आकाश समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, वो सच कहे या झूठ। वो कुछ देर शांत रहता है। अंजलि ने उसे की हुई पहली किस उसे याद आती है, कैसे उसने लिप्स जैसे अंजलि को सौंप दिए थे और फिर अंजलि के थकने के बाद कैसे पूरी किस डोमिनेट की। उसे याद आया कि वो बीच बीच में अपनी आंखें खोलता और अंजलि की तरफ देखता और फिर किस करता। जैसे ही वो अंजलि को किस करने के बारे में या उसके करीब आने के बारे में सोचता है, तो अपने बॉडी में हॉट सेंसेशंस फील करता है। वो एक बार अंजलि की तरफ देखता है, उसे लगता है कि हाँ, अच्छा लगता है ये जवाब दिया जाए। सिर्फ अच्छा ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि दिन भर तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हें किस करता रहूं, तुम्हारे साथ अपनी हर सुबह की शुरुआत करूं और शाम तक बस तुम्हें किस करता जाऊं। आकाश, ये क्या सोच रहे हो? आकाश अपने होश संभालता है और अंजलि से कहता है, तुम्हें कैसा लगता है जब तुम मुझे किस करती हो? अंजलि आकाश के इस सवाल से हड़बड़ा जाती है। वो कुछ नहीं कहती। शायद तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती,
तुम मुझे पूछने के बजाय अपनी बॉडी को पूछो कि तुम्हें मेरे करीब आने से क्या फील होता है, आकाश कामली बोलता है। ये सवाल वैसे भी इनअप्रोप्रिएट था क्योंकि दोनों को एक दूसरे को किस करने में मजा आता है और जब भी उनके होंठ एक हो जाते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज उस बात को छुपा नहीं पाती। आकाश गे नहीं है, विशाल की आवाज अचानक अंजलि के सिर में गूंज उठी और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वो उस आवाज को मिटा सके। फिर भी अंजलि अभी भी आकाश से डायरेक्ट सुनना चाहती थी कि वो स्ट्रेट है, हो सकता है कि बाद में वो सीधे उससे इस बारे में पूछ ले। अंजलि इस टॉपिक को अभी बंद करती है, खूबसूरत फूलों पर ध्यान देती है। अंजलि इन फ्लावर्स में खो गई। तभी पूजा ने उन्हें चाय के लिए फिर से बुलाया। दोनों चाय पीने चले जाते हैं। अंजलि को इन सबके बीच बहुत मजा आ रहा था, वो अपना समय पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी। वो अली के और पूजा के जोक्स पर खुलकर हंस रही थी, जो वो हर बार अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही हंसती थी, मगर ये सारे लोग उसे बहुत फ्री और उसके जैसे लगे। वो बचपन के किस्से सुनाते थक नहीं रहे थे। चाय पीते पीते उनकी बातचीत का विषय था आकाश। क्या आकाश हमेशा से ही ऐसा है? तुम लोगों से बिल्कुल अलग है, कभी कभी हंसता है, मैंने तो बहुत रेयरली उसे स्माइल करते हुए देखा है, अंजलि पूजा से पूछती है जब आकाश किसी के कॉल रिसीव करने की वजह से वहां से चला गया है। क्या भाई ने तुम्हें अपने फर्स्ट लव के बारे में नहीं बताया? उसका सच में दिल टूट गया था, उसके बाद से भाई कभी हंसते ही नहीं। हुआ यूं कि पूजा सारी बात बताने ही वाली थी लेकिन वो अपने भाई के चिल्लाने की आवाज सुनती है, पूजा भाई। पूजा अपनी जगह पर ही उछल पड़ती है। उसके इस तरह से चिल्लाने से पूजा सहम जाती है। वो भूल गई थी कि आकाश को उसके पास्ट के बारे में बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसा दूसरी बार हुआ कि आकाश उस पर चिल्लाया, पहले गार्डन में और अब सबके सामने टेबल पर। अंजलि को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसा कहते हैं कि अगर कोई अपने अतीत के बारे में बोलना पसंद नहीं करता तो वो अपने अतीत को भूल नहीं पाया है। पूजा को अंजलि के लिए बुरा लगता है। कहीं ना कहीं अंजलि पूजा को बहुत पसंद आने लगी थी और वो अपने भाई के लिए पसंद कर चुकी थी, इसलिए वो उसके अतीत के बारे में उसे बताना चाहती थी ताकि उन दोनों में आगे चलकर कोई गलतफहमी ना हो। निकलो यहाँ से और अली को भेजो, आकाश उस पर दहाड़ता है। उसे रोकने के लिए टेबल पर उसके डैड नहीं थे, वरना वो आकाश को इस तरह से पूजा पर चिल्लाने नहीं देते। वो अली के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे थे। पूजा के जाते ही अंजलि आकाश की तरफ मुड़कर उसे तेज नजर से देखती है। तुम्हें उस पर इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये दूसरी बार था कि तुम उस पर चिल्लाए हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास इतनी प्यारी बहन और इतनी अच्छी फैमिली है। तुम्हें पता भी है तुम्हारी फैमिली की वजह से मैं तुमसे और भी कनेक्ट हो पा रही हूँ। अंजलि के इस बात पर आकाश की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उसे वो नजरअंदाज करते हुए आगे कहता है, वो बहुत ज्यादा बोलती है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसा है तो फिर तुम्हें मुझ पर गुस्सा होना चाहिए क्योंकि उससे मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था, अंजलि इरिटेट होकर बोलती है। मुझे तुम्हारे होने वाले पति पर बहुत दया आ रही है, तुम बहुत सख्त वाइफ बनोगी, आकाश हल्की से बोलता है। तुमने कुछ कहा क्या? अंजलि आकाश की बात को बिल्कुल भी नहीं सुन पाती क्योंकि वो किसी मधुमक्खी की तरह बोल रहा था, उसे एक भी वर्ड सुनाई नहीं देता। नथिंग, आकाश अंजलि को डेयर नहीं करना चाहता, वरना लंच पर जो हुआ उससे वो अब तक संभल नहीं पाया था। इस बीच आकाश के डैड अपने वाइन सेलर पर स्पेशल वाइन ढूंढ रहे हैं। अली, कुछ ऐसा ड्रिंक ढूंढो जो उन दोनों को आसानी से नशे में डाल सके, कुछ पुरानी वाइन जो पीने के लिए बहुत अच्छी है लेकिन आसानी से हाई कर देती है, डैड ने अली को इंस्ट्रक्ट किया। डैड, आप कुछ प्लान कर रहे हैं? अली उनके चेहरे पर ये एक्सप्रेशन देखकर जज कर रहा था कि वो जरूर कुछ नॉटी सोच रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो सिर्फ उन दोनों को अपने साथ एंजॉय करने के लिए वाइन देख रहा था, डैड मना करते हुए कहते हैं, लेकिन अली उनकी बातों से कन्विंस नहीं होता। मुझे ऐसा क्यों लगता है आप शॉटगन वेडिंग करना चाहते हैं? डैड, आपको याद दिला दूं कि इस एरा में शॉटगन वेडिंग अब इफेक्टिव नहीं है, लड़कियों की शादी इतनी आसानी से नहीं होती है। अंजलि अगर प्रेग्नेंट भी हो गई तो उसके शादी के लिए राजी होने की पॉसिबिलिटीज उतनी ही कम है जितनी अभी है, अली डैड की पूरी बात समझकर एक्सप्लेन करता है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? डैड की ये बात सुनकर अली दंग रह जाता है। सीरियसली डैड, आप ऐसा ही कुछ सोच रहे थे? अली अब समझ गया कि उसके डैड को अंजलि ही उनकी बहू होना मंजूर है, तभी वो इस तरह की प्लानिंग करने में जुट गए हैं। क्या तुमने आकाश की आंखों में नहीं देखा, वो डेफिनेटली अंजलि से प्यार करता है, वो इसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं अपने बेटे आकाश को अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि आकाश का ईगो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीजों में उसकी मदद करना चाहता हूँ। तुम देखना, शराब के नशे में अक्सर लोग अपना असली रूप दिखा देते हैं, डैड ने मुस्कुरा कर कहा।
अगर अंजलि के मॉम को पता चले कि आप अंजलि के शॉटगन वेडिंग के बारे में सोच रहे हो तो क्या होगा डैड? और आपको पता है वो अपने बेटी के बारे में कितनी पॉजिटिव है। मुझे डिस्करेज करना बंद करो, आकाश रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना। अली ने देखा कि वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। ओह गॉड डैड, हमें उनके रिलेशनशिप को थोड़ा और वक्त देना चाहिए, वो जरूर अपने बारे में सोचेंगे। डैड ने जोर से सांस छोड़ी। अगर अंजलि और आकाश के साथ कुछ भी हुआ तो मिसेस ओबेरॉय से कॉन्टेक्ट करना और भी आसान हो जाएगा। वो थोड़ी देर रुक गए और सोचने लगे कि क्या उन्हें अली की बातों पर ध्यान देना चाहिए और क्या दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहिए। लेकिन उन्हें अपने बेटे के बारे में पता था कि वो खुद तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसका ईगो ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। हमें शायद पूजा का ओपिनियन भी लेना चाहिए, डैड सजेस्ट करते हैं। अंजलि अब महसूस कर रही है कि आकाश होमोसेक्सुअल नहीं हो सकता क्योंकि पूजा ने अभी अभी उसके फर्स्ट लव के बारे में बात की थी। हालांकि वो पूजा से ये पूछने में कामयाब नहीं हो पाई कि वो मेल था या फीमेल। उसने देखा कि डैड मुस्कुराते हुए उनकी ओर चले आ रहे हैं तो उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। अंजलि को आकाश के डैड से लगभग प्यार हो गया था और वो आकाश से इस तरह के प्यार और देखभाल करने वाले पिता के लिए बहुत जेलस फील कर रही थी क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसने उसके जैसे पिता का सपना देखा था जो उससे प्यार करेगा और हर प्रॉब्लम को उससे दूर रखेगा। अपनी फेस की मसल्स को थोड़ा लूज करने के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हारे डैड यहाँ है और तुम ऐसे देख रहे हो जैसे तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, अंजलि ने सजेस्ट किया और आकाश की बांह पकड़ ली। उसने आकाश के कंधे पर अपना सिर रख दिया। अब तुम क्या कर रही हो? आकाश अंजलि की इस बात पर बोलता है। एक अच्छी गर्लफ्रेंड का रोल निभा रही हूँ, तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए और मुझे बाद में रिवॉर्ड देना चाहिए। तुम्हें पता भी है मुझे कितने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। यू हैव सच अ लविंग फादर, अंजलि ने कहा। हर कोई ऐसे पिता से ब्लेस नहीं होता। उदासी की एक चमक उसके सुंदर चेहरे को पार कर गई। क्या अंजलि आकाश की फैमिली को पसंद करने लगी है? आकाश की सच्चाई के बारे में उसे कब पता चलेगा? क्या है आकाश की सच्चाई? क्या आकाश के डैड अपने प्लान में सफल रहेंगे? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पैशन वाला प्यार ओनली ऑन पॉकेट एफएम। क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? आकाश के डैड अंजलि से और आकाश से मुस्कुराते हुए पूछते हैं। वो अंजलि के हाथ में एक एल्बम देते हैं और कहते हैं, इसमें आकाश के बचपन की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, तुम्हें अच्छी लगेंगी, जरूर देखो। बचपन का एल्बम ये सुनते ही अंजलि ने आकाश का हाथ छोड़ दिया और डैड के साइड में जाकर बैठ गई। अंजलि उनके साथ फोटोग्राफ्स देखने लगती है और वो बहुत खुश लग रही थी और आकाश के डैड भी खुश लग रहे थे। ये देखकर अली कमेंट करता है, अंजलि के आने से डैड कितने खुश हो गए हैं। अगर अंजलि हमेशा यहीं रहे तो उनकी हेल्थ जरूर अच्छी रहेगी। तुम्हें क्या लगता है पूजा? अली ने जो कुछ भी कहा वो उसके डैड का ही बताया हुआ था। उन्होंने उससे पहले से ही इंस्ट्रक्ट कर दिया था ताकि आकाश को हिंट मिले। अली आकाश को बहुत लकी समझ रहा है क्योंकि उसके पिताजी खुद उसके लिए रिलेशनशिप में उसकी हेल्प करना चाहते हैं। अंजलि आकाश के फोटोग्राफ देखना बहुत एंजॉय कर रही थी और अपना अफेक्शन आकाश की ओर दिखाने के लिए बार बार उसका हाथ पकड़ रही थी और भी क्लोजनेस दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये मेरी नो टचिंग की रिक्वेस्ट को क्यों नहीं मान सकती? आकाश फुसफुसाता है, लेकिन वो अपने डैड की तरफ देखता है तो उसकी इरिटेशन कम होती है। वो देखता है कि डैड अंजलि के साथ काफी चुस्त महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो अंजलि की हरकतों पर कुछ नहीं कहता। मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि मेरा भाई है जो एक लड़की के साथ है। What do you think? पूजा ने अली के कानों में फुसफुसाया, जो उसके साथ उसकी अचानक क्लोजनेस से चौंक गया है। अली पूजा के साइड में से उठने लगता है। तभी पूजा उसका हाथ पकड़ कर कहती है, अगर तुम एक इंच भी हिले तो मैं सबके सामने तुम्हें किस करूंगी। अली अपनी जगह पर जम सा जाता है और वो हिलने की जरूरत नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि पूजा कितनी शेमलेस है। वो अपनी बात सच करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती और ये सब डैड आकाश और उसे भी ज्यादा अंजलि के सामने होना बिल्कुल भी सही नहीं था। सो तुम्हें क्या लगता है? पूजा अली के कानों में बोलती है। पूजा के बोलने के तरीके से अली समझ गया कि ये किस बारे में बात कर रही है। पूजा स्टॉप इट, तुम मुझे अब और कितना परेशान करोगी? पूजा की आईब्रोज खड़ी हो जाती है और वो कहती है, अली मैं डैड के प्लान के बारे में पूछ रही हूँ और अब तुमने मुझसे पूछ लिया है तो आखिरी बार सुन ही लो, मैं अब तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ अली, आई गेव अप। पूजा इमोशनलेस होकर बोलती है, मैं कब तक ऐसे लड़के के पीछे भाग सकती हूँ जो मेरे साथ नहीं रहना चाहता? पूजा की बात सुनकर अली दंग रह जाता है।
उसने पूजा से इस बात की उम्मीद नहीं की थी। उसे लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया है। वो मायूस महसूस करता है। अंजलि, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें अपने परिवार की मानो। आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। फिर आकाश की तरफ देखकर बोलते हैं, मुझे तुम्हारी चॉइस अच्छी लगी आकाश। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ब्यूटीफुल और केयरिंग लड़की के साथ हो सकते हो। आकाश के डैड ने ये सब ऐसे तरीके से कहा कि अंजलि शर्मा गई और आकाश हंसने लगा। ये जाहिर सी बात है डैड, क्योंकि जब से अंजलि आई है तब से आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और वो दिख भी रहा है, पूजा ने कहा। इतना ही नहीं, वो अली से दूर होकर उसके डैड के साइड में जाकर बैठ गई और अंजलि और डैड के साथ एल्बम्स देखने लगी। इज शी सीरियस? अली पूजा की बातों से सहम गया था। इतने दिनों में अली ने उसे कितनी बार फटकारा होगा, लेकिन कभी पूजा ने उसके लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन आज वो काफी रूखी लग रही थी और उसे डर लग रहा था, क्योंकि उसका दिन पूजा की बातों से शुरू होता है और पूजा की बातों पर ही खत्म होता है, और कहीं ना कहीं वो दिन भर उसी के बारे में सोचता है। जल्द ही डिनर टाइम हो गया। बाकी सब लोगों के लिए दिन बहुत जल्दी खत्म हो गया था, लेकिन दिन बड़ा था तो वो सिर्फ आकाश के लिए। वो अंजलि की हरकतों से काफी परेशान था। उसने उसे एक गुजारिश करके कहा था कि वो फैमिली के सामने बिल्कुल इमोशनल ना बने, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। जैसा उसने लंच टाइम पर किया, वैसा ही अभी अपने हाथों से डिनर करवाया। आकाश इस बात से बहुत एम्बैरस्ड फील करता है। उसने अपने डैड को कितनी बार समझाया कि वो किसी लड़के को पसंद नहीं कर सकता है, और शायद उन्हें इसी बात की खुशी है कि वो किसी लड़की के साथ है। लेकिन फिर लोगों को ऐसी अफवाहें फैलाने की आदत होती है। जब अमीर और हैंडसम लड़के के साथ कोई लड़की ना हो तो बातें बनना शुरू हो जाती हैं। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उसका फर्स्ट रिलेशन पब्लिक नहीं हुआ। उसके रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ अली और पूजा को पता था। यहाँ तक कि उसके डैड को भी इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसने कभी उस लड़की को अपने घर नहीं लाया। इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहता था, लेकिन जब वो उसे मिलवाने के लिए घर पर लाने वाला था, तभी उसे पता चला कि उसे उस लड़की ने धोखा दिया है और उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब से वो पूरी तरह से टूट चुका है। आकाश का चेहरा काला पड़ गया। अंजलि आकाश का चेहरा नोटिस करती है कि वो पूरी तरह से डिस्टर्ब लग रहा है। वो सोचती है कि आकाश को शायद मेरा टची होना अच्छा नहीं लग रहा। क्या अब तुम अनकंफर्टेबल हो रहे हो? अंजलि ने बुदबुदाया। वो आकाश से इजी हो गई, क्योंकि उसके होमो ना होने का डाउट उसकी अनकंफर्टेबल होने से ज्यादा इफेक्टिव था। एक क्लिंगी गर्लफ्रेंड, भले ही वो नकली हो, शायद अब उसे इरिटेट हो रहा है। अंजलि ने सोचा कि ये शायद इसलिए है कि हम दोनों बहुत देर तक एक साथ हैं और मैं उससे टची हो रही हूँ। भले ही वो मेरे किसेस को सह पाता है, लेकिन इस बार वो ज्यादा इरिटेट हो रहा है। अंजलि, क्या तुम हमारे साथ ड्रिंक लेना पसंद करोगी? अगर आकाश भी ड्रिंक करे तो मैं राजेश को तुम्हें छोड़ने के लिए कहूंगा। आकाश के डैड अंजलि से स्माइल देकर पूछते हैं। सभी अब हॉल में लगे बार में आते हैं। आकाश के डैड बारटेंडर को ड्रिंक बनाने के लिए इशारा करते हैं। सभी के लिए ड्रिंक्स बनते हैं। पूजा, अली, डैड, अंजलि सभी एक के बाद एक ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। पीछे साइलेंट म्यूजिक भी चलता है। ये ऐसा दिन है जो अंजलि हमेशा अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहती थी, अगर उसकी फैमिली होती तो। आकाश देखता है कि बारटेंडर दो ग्लास स्पेशल बना रहा है। आकाश की बात ध्यान में आती है और वो स्पेशल ड्रिंक ना लेकर दूसरा ग्लास उठाता है। आकाश अली, पूजा या अंजलि की तरह ग्लास पर ग्लास नहीं पीता, सिर्फ एक दो ग्लास ड्रिंक करता है। कुछ ही देर में सभी लोग नशे में धुत हो गए। आकाश के डैड अब आकाश के साइड में आकर बैठते हैं और वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनके साथ ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आकाश को छोड़ के। वो आकाश को ज्यादा ना पीता देख कहते हैं, अच्छा है कि तुम ज्यादा नहीं पी रहे हो। तुम अंजलि को छोड़ने जा सकते हो, और क्यों ना हम उसे यहीं सोने दें? ऑलरेडी इतना लेट भी हो चुका है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं डैड, लेकिन वो कभी नहीं होगा। आकाश अपना आज रात का लास्ट ड्रिंक कटक कर सिंपली जवाब देता है। ये क्या, तुम और नहीं ले रहे? मैं तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ आकाश। तुम पहले ही अपनी शादी की उम्र पीछे छोड़ चुके हो और आगे भी लेट करोगे तो अच्छा नहीं होगा। इस साल जब तुम 32 साल के हो जाओगे तो तुम्हें जल्द ही मैरिज लिस्ट से हटा दिया जाएगा, डैड आकाश को समझाते हुए बोलते हैं। क्या डैड, आप भी अली की तरह मेरे पीछे पड़ गए, जबकि आपको पता है मैं सेम जेंडर प्रेफर करता हूँ। आकाश मुस्कुराया और सरकास्टिकली कहा, आउच। आकाश को दर्द हुआ जब डैड ने उसके पेट पर जोर से मारा। यू रास्कल, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। आप मेरे डैड हैं डैड, लोगों से ज्यादा आप मुझे पहचानते हैं, और आप भी ऐसे अफवाहों पर और मैगजीन्स पर बिलीव करते हैं, आकाश कंप्लेन करते हुए कहता है। कुछ समय बाद पूजा, अली और अंजलि की बैटरी डाउन हो गई। वे सभी नशे की हालत में सोफे पर लेटे हुए थे और अपने आप चल नहीं पा रहे थे। अंजलि को मैं उसके घर छोड़ आता हूँ,
आकाश अपने पिता से कहता है जब वो अंजलि को गिरने से बचाते हैं जबकि वो खुद ही नशे में थे। आकाश के डैड सिर्फ हाँ में सिर हिलाते हैं। उन्हें सैड फील होता है कि उनका अंजलि को घर पर रुकवाने का प्लान फेल हो गया है। ऑल राइट, ध्यान से ड्राइव करना और याद रहे तुमने भी थोड़ी पी है, डैड ने आकाश को रिमाइंड करवाया और वो अंजलि की तरफ मुड़े। सी यू सून अंजलि। यस डैड, बाय, अंजलि एनर्जेटिकली बोलती है। अंजलि के नशे में बोलने के तरीके से आकाश के डैड हंसते हैं। बुरा मत मानिए डैड, दोनों में शायद रास्ते में ही कुछ हो जाए, वैसे भी रास्ता बड़ा लंबा है, अली डैड को एनकरेज करते हुए कहता है। आकाश के डैड ठंडी सांस छोड़ते हैं और देखते हैं कि पूजा को मदद की जरूरत है, तो वो उनके हेल्पर गार्ड को पूजा को उठाने के लिए कहते हैं। पीछे हटो, कोई भी पूजा को हाथ नहीं लगाएगा, मैं खुद उसे कमरे में ले जाऊंगा, अली बोल पड़ता है। मेल हेल्पर्स मिस्टर सहगल की तरफ देखते हैं और परमिशन मांगते हैं, लेकिन फिर वो उन्हें दोनों के पीछे जाने के लिए कहते हैं ताकि अली पूजा को गिरा ना दे, क्योंकि अली भी नशे में था। अली आराम से पूजा को अपने हाथों में उठा लेता है। वो जानते हैं कि अली को भी पूजा के लिए प्यार है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ऐसी क्या बात है जो उसे रोके रखी है। वो आकाश के लव लाइफ में इंटरफेयर आसानी से कर सकते हैं, मगर अली के और पूजा के बीच में बोलना उन्हें ठीक नहीं लगता, क्योंकि पूजा नहीं चाहती कि अली पर कोई जबरदस्ती हो। अली भी नशे में था, मगर अली के होते हुए कोई पूजा को उठाए ये उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो हॉल से पूजा को उठाकर उसके रूम की तरफ बढ़ता है। अली के पीछे पीछे गार्ड भी आते हैं, ये देखकर वो उनको जाने के लिए कहता है, मगर बॉस का ऑर्डर था इसलिए वो थोड़े डिस्टेंस पर चलते हैं, लेकिन अली फिर से उन्हें धमकाता है। धमकी सुनने के बाद वो वहां से निकल जाते हैं। तुम किस पर चिल्ला रहे हो? अली के गार्ड पर चिल्लाने से पूजा की नींद खुलती है और वो नशे में बड़बड़ाती है। कुछ नहीं, तुम सो जाओ, अली उसे आराम से कहता है। वो अब पूजा के रूम में उसे बेड पर कंफर्टेबली सुलाता है और उसकी साइड में रखे चेयर पर बैठता है। वो बहुत अडोरेबल लग रही थी। पूजा के गालों पर से बाल हटाता है और उसे बड़े प्यार से निहारता है। तुमने सच में गिव अप कर दिया पूजा, अली थोड़ा जोर से कहता है। अली को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। वो भी पूजा को पसंद करता है, मगर कहने से डरता है। उसे लगता है कि शायद उसे मुझसे अच्छा और कोई मिलेगा। वो पूजा को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उसका दिल हमेशा पूजा की तरफ ही मुड़ता है। वो अपने आप से कई बार कह चुका है, तुम अब और कितना वक्त लेना चाहोगे, पूजा के बारे में भी सोचना जरूरी है। थोड़ी देर बैठने के बाद अली उठकर जाने ही लगता है, तभी पूजा उसका हाथ पकड़ लेती है और नींद में कहती है, मुझे अकेला नहीं सोना, तुम मेरे साथ लेट जाओ ना, बचपन में तुम हमेशा मुझे सुलाते थे, आज भी मुझे सुलाओ ना प्लीज। हम अब इतने छोटे नहीं रहे पूजा, अली जवाब देता है। मुझे तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल लगता है, प्लीज मेरे लिए इतना कर दो ना, एज अ ब्रदर मुझे सुलाओ, मैं उसका कोई गलत मतलब नहीं निकालूंगी, लेकिन प्लीज मेरे लिए। पूजा नशे में थी इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। अली हमेशा ही पूजा की बातों से पिघल जाता है और वो भी पूजा के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है। वो धीरे से पूजा के ठीक बगल में लेटता है। अली उससे बहुत प्यार करना चाहता है, उसे कस कर गले लगाना चाहता है, सबके सामने हग करना चाहता है, उसे किस करना चाहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोकता है। आज वो उसके इतने करीब था, वो उसकी सांसों की गर्मी को महसूस कर रहा है। उसके पिंक ग्लॉसी लिप्स उससे कुछ इंच दूरी पर हैं। उसकी ब्यूटी को वो जी भर के एडमायर तक नहीं कर सकता। ऐसी क्या मजबूरी है अली, वो अपने आप से कई बार पूछ चुका है। क्या मैं सबसे बड़ा हिपोक्रेट नहीं हूँ, अली ने कहा। वो पूजा से प्यार करता है, लेकिन किसी रीजन से उसके मन में बहुत डाउट और इनसिक्योरिटीज थी जिससे वो पीछे हट जाता है। उसे हमेशा लगता है कि वो पूजा के लिए सही नहीं है। वो डैड को और पूजा को निराश नहीं करना चाहता, वो खुद को उनके कर्ज का हकदार मानता है। क्या अली कभी अपने दिल की बात पूजा को बता पाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पैशन वाला प्यार ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आकाश की कार में। मुझे और पीनी थी आकाश, अंजलि फ्रंट सीट पर बैठी हुई आकाश को कहती है, जबकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। लुक, तुमने पहले ही बहुत ज्यादा पी रखी अंजलि, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, आकाश उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए बोलता है। मुझे घर नहीं जाना आकाश, तुम्हारे घर में सब लोग पी रहे होंगे और तुम मुझे इतनी जल्दी घर ले जा रहे हो। मैं बिल्कुल घर नहीं जाना चाहती, प्लीज वापस ले चलो ना, मैं अपने घर में बोर हो जाती हूँ, यहाँ मुझे बहुत मजा आ रहा है, अंजलि नशे में अपने हाथ सीट पर पटक कर बोल रही है।
That's enough, अंजलि. घर पर अब कोई पार्टी नहीं हो रही है, सब लोग सो गए हैं. आकाश अंजलि को पीछे करते हुए इंजन स्टार्ट करता है. मैं बिल्कुल भी नशे में नहीं हूँ, सच में. अंजलि कार के म्यूजिक सिस्टम को स्टार्ट करती है और बार बार म्यूजिक चेंज करती है. वो नशे में खिलखिला रही थी. आकाश का उसके साथ होना उसे बुरा नहीं लग रहा था. सच में तुम नशे में नहीं हो? जरा देखो अपने आप को, कैसी हरकतें कर रही हो. आकाश ड्राइविंग पर फोकस करते हुए कहता है. हम पहुंच गए क्या? अंजलि खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती है और आकाश के हाथ खींचने लगती है. मुझे घर नहीं जाना. हाँ, हम पहुंच गए हैं. आकाश सोसाइटी कंपाउंड में कार को घुमाते हुए कहता है. कार रुकते ही अंजलि लड़खड़ाकर बाहर निकलती है. आकाश उसे संभालने के लिए भागकर उसकी तरफ आता है, मगर वो उसका हाथ झटकती है. मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, मैं ठीक हूँ. आकाश ने आह भरी और उसके बगल में खड़ा हो गया और उसे नशे की हालत में चलते हुए देखा. लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट लहराते हुए जा रही है. उसने उसके चलने के तरीके पर अपना सिर हिलाया और उसके होठों पर मुस्कान छा गई. अंजलि नशे की हालत में बत्तख की तरह फुदक रही थी. आकाश ये देखकर हंसी रोक नहीं पाया. वो जल्दी से जाकर उसको पकड़ लेता है. तुम बड़े चिपकू हो यार, मैंने कहा था ना. अंजलि ने बुदबुदाया. अपने फ्लैट के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और पासवर्ड डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है. नशे की हालत में होने के कारण अंजलि को पासवर्ड ठीक से याद नहीं होता, इसलिए वो गलत नंबर प्रेस करती है और दरवाजा नहीं खुलता. ये सब आकाश उसके पीछे खड़ा होकर देख रहा था. अंजलि अपनी आंखें बंद करके नंबर को याद करने की कोशिश करती है और फिर पीछे मुड़कर आकाश की तरफ देखती है. मुझे नंबर याद? तुम जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ अभी. आकाश उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है. अंजलि अपने आप को संभालते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है. वो अपने आप से कुछ नंबर दोहराती है, फिर बोलते बोलते रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है. तुम अभी भी यहीं हो? मैंने कहा था ना, जाओ, मैं ठीक हूँ, अंजलि ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा. आकाश अपने हाथ उठाकर पीछे हट जाता है. फिर अंजलि ने उन नंबरों को टैप करना शुरू कर दिया. नंबरों को टैप करते हुए उसने जोर से नंबर्स पढ़े, जिससे आकाश हंसी में फूट पड़ा. 11/02/97, मेरा बर्थडे, यही तो था. पहले अंजलि अपने बर्थडेट को याद करके खुशी से हंसती है, बाद में उसकी एज बढ़ रही है ये जानकर वो फूट फूट कर रोने लगती है. मैं बूढ़ी हो रही हूँ. हालांकि आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन नशे की वजह से वो ऐसा करती है. आकाश अंजलि के इस व्यवहार से काफी मजे ले रहा था. अंजलि के नंबर टाइप होते ही दरवाजा खुल जाता है. अंजलि जैसे ही रूम के अंदर घुसती है तो उसने अचानक रोना बंद किया और आकाश की तरफ मुड़कर बोली, तुमने मेरा नंबर देखा तो नहीं ना? आकाश ने धीरे से ना में सिर हिलाया. अंजलि यकीनन बहुत ज्यादा नशे में थी और वो पागल जैसे हरकतें किए जा रही थी. एक सेकंड के लिए आकाश को लगा कि उसे अंजलि का वीडियो निकालना चाहिए, क्योंकि इन सब का वीडियो बनाकर आकाश अंजलि को चिढ़ा सकता है, मगर वो आइडिया ड्रॉप कर देता है. हो सकता है बाद में उसे अंजलि के साथ और भी टॉर्चर सहना पड़े. आकाश ने देखा कि अंजलि चलते हुए अपने सैंडल्स उतारते हुए चल रही है और लगभग गिरने ही वाली है, तभी आकाश दौड़कर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है, उसे गिरने से बचाता है. यू सिली कैट, क्या कर रही हो? बैठ कर सैंडल निकालो, आकाश उसे पकड़ते हुए बोलता है. म्याऊ, अंजलि बिल्ली की तरह आवाज निकालती है. आकाश के फेस पर अपने फिंगर्स से खरोंचने की कोशिश करती है. तुमने सही कहा है, तुम बिल्कुल भी नशे में नहीं हो, आकाश अपने चेहरे को बचाते हुए बुदबुदाया. वो अंजलि को लेकर उसके कमरे तक पहुंचता है. अंजलि ने उसे गर्दन से पकड़ रखा था और उसकी बाहें उसके चारों ओर लिपटी हुई थी. वो उसे ऐसे घूर रही थी मानो कुछ जवाब ढूंढ रही हो. मुझे इस तरह घूरना बंद करो अंजलि, आकाश ने अपनी रफ आवाज में फुसफुसाया. अंजलि को इतना नजदीक पाकर आकाश को अपने आप पर कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है. अंजलि की बॉडी पूरी तरह से आकाश पर है, उसकी खूबसूरत बाजू उससे लिपटी हुई है. अंजलि के कमरे में एंटर करते ही आकाश जोर से सांस छोड़ता है. उसके शरीर में आग सी लगती है. उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने आप पर कंट्रोल कैसे करे. तुम बहुत हैंडसम हो आकाश. नो वंडर तुम्हारे पीछे लड़कियां पागल हैं. लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम गे हो, आकाश ने अंजलि को हंसते हुए सुना. उसके ये कहने से आकाश पूरी तरह से दंग रह गया और उसकी पकड़ ढीली हो गई और अंजलि झट से बेड पर गिर गई. तुमने अभी क्या कहा अंजलि? आकाश अंजलि के चेहरे की तरफ खींच गया, क्योंकि अंजलि ने बंदर की तरह उसकी गर्दन को जकड़ रखा है
अंजलि हंसी और एक हाथ उसकी गर्दन से हटाकर उसकी नाक पर एक उंगली रख दी और रिपीट किया, मैंने कहा कि तुम बहुत हैंडसम हो। उसके बाद तुमने क्या कहा? अंजलि, मैंने कहा कि ये अफसोस की बात है कि तुम गे हो। ओह, आई मीन तुम एक हैंडसम गे हो। अंजलि हंसती रही। आकाश उसकी बातें सुनकर चौंक गया और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंजलि भी ऐसी अफवाह को मानती है। तुमसे किसने कहा कि मैं गे हूँ? आकाश ने पूछा। आकाश को बहुत गुस्सा आ रहा था। और गे? आकाश सहगल गे? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? आकाश का चेहरा लाल हो गया, लेकिन अंजलि की हंसी रुक ही नहीं रही थी। क्या ये वाकई इतना फनी है अंजलि? वो चिल्लाया। वो इस बात से परेशान था कि अंजलि उसके बारे में ये सोचती है। अंजलि को गलत साबित करने के लिए आकाश के दिमाग में एक बात आई। वो अंजलि को पनिश करना चाहता था। वो थोड़ा और नीचे झुक गया, उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे रफली किस किया। उसने सोचा कि ये उसके लिए एक अच्छी सजा थी। उसने अंजलि के लिप्स को जोर जोर से किस करना शुरू किया, तब तक कि दोनों बेदम ना हो गए। अंजलि हांफते हुए बोली, आकाश, अब तुम मुझे इस तरह क्यों किस कर रहे हो? आकाश एक पल के लिए रुक जाता है। अंजलि आकाश के बहुत करीब थी और वो उससे बोलती है, कुछ भी हो, तुम बहुत ही अच्छे किसर हो। जब भी मैं तुम्हें किस करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मर्द को चूम रही हूँ। हालांकि मैंने अभी तक किसी और को किस करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन तुम्हारे साथ जो मैं महसूस करती हूँ ना, मैं बता नहीं सकती और ना ही ये एहसास खोना चाहती हूँ। अंजलि ये बोलकर चुप हो जाती है। आकाश को नहीं पता था कि ऐसी बात पर कैसा महसूस किया जाता है। उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वेट, क्या अंजलि का मतलब ये है कि उसने हर बार मुझे इसीलिए किस किया क्योंकि वो मुझे गे समझती थी? वो ये सब सोच ही रहा था जब उसे लगा कि अंजलि ने उसे अपने करीब खींच लिया है ताकि वो उसके होठों तक पहुंच सके। चलो एक बार फिर देखते हैं कि किस कितना अच्छा हो सकता है। अंजलि नशे की हालत में फुसफुसाते हुए अपने होठों से आकाश के होठों को छू रही थी। आकाश के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। अंजलि बहुत ही पैशनेटली आकाश के होठों को धीरे से चूस रही थी और आकाश का गुस्सा उसकी मिठास से पूरी तरह से शांत हो गया। आकाश के बदन में और भी हरकत हुई जब अंजलि की जीभ उसके मुंह के अंदर आ गई और उसके साथ लड़ने लगी। आकाश अपने आप को अब और रोक नहीं सकता था और इस बार उसने अंजलि के कोमल शरीर को अपने जिस्म के साथ दबा लिया और पहले से दुगने जुनून के साथ उसे चूमना शुरू किया। अंजलि ने उसकी गर्दन को चूमा और उसने खुद को बेड पर टिका दिया। अब तक आकाश उसके ऊपर आ चुका था, उसकी जुबान उससे मिल रही थी। दोनों एक दूसरे में इतने खो गए थे जिस्म में जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। दोनों के शरीर आग में तप रहे थे और इसी जुनून में आकाश अंजलि के होठों को काट लेता है। ये थी अंजलि की सजा। अंजलि सांस नहीं ले पा रही थी। उसने आकाश को खुद पर से हटाकर बेड पर धकेला और फिर उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा उदासीन स्वर में बोली, ओह, तुम गे क्यों हो आकाश? केस तो तुम किसी प्यासे आदमी की तरह करते हो। आकाश ने अंजलि की इस बात पर गौर किया और उसके सारे शरीर में सनसनाहट सी उठती है। आकाश की नजर कमरे की सीलिंग पर गई। वो अपनी पीठ के बल लेट कर गहरी सांस छोड़ता है, अपने शरीर में लगी आग को शांत करने की कोशिश करता है। अंजलि के पास आते ही आकाश खुद पर काबू नहीं पा रहा था। मानो अंजलि के बदन की खुशबू उसे अपनी तरफ खींच रही हो, लेकिन ये बात उसके अहंकार के बिल्कुल विपरीत थी। अंजलि आकाश की तरफ मुड़ती है और धीरे से आकाश के होठों को अपनी उंगलियों से छूती है। मुझे तुम्हारे होठ बहुत पसंद है आकाश, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे तुम्हें चूमने में मजा आता है। आकाश का शरीर ये बात सुनकर तन जाता है। अंजलि की नजर आकाश से मिलती है और वो बोलती है, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। यहाँ तक कि जब तुम मुझे चूमते हो ना, तो मुझे अजीब नहीं लगता, मुझे अच्छा महसूस होता है। अंजलि अपने चेहरे को आकाश की तरफ ले जाती है और फिर से आकाश के होठों को चूमना शुरू करती है और फिर चूसने लगती है और फिर मस्ती में धीरे से लिप्स खींच लेती है। तुम्हें भी ये पसंद है ना? अंजलि मुस्कुराई। आकाश अभी भी शौक में था और फिर भी अंजलि ने एक और बेशर्म कदम उठाया जिससे वो बेहद परेशान हो गया। उसने अपने अंदर के जानवर को काबू करने की कोशिश की, कहीं ऐसा ना हो कि वो सभी हदों को तोड़ दे और अंजलि पर झपट कर उसे पूरी तरह से निगल जाए। उसने सांस ली जब अंजलि ने आखिरकार उसके होठों को छोड़ दिया
और अपना सिर उसकी गर्दन पर रख दिया। पूजा ने मुझे तुम्हारे पहले प्यार और हार्ट ब्रेक के बारे में बताया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे पूछ सकूं कि तुम्हारा पहला प्यार आदमी था या औरत, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो कोई आदमी ही रहा होगा। आकाश उसकी तरफ देखता है और अंजलि बोलती है, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मैं विश करती हूँ कि तुम गे हो। अंजलि ने अपना एक हाथ बढ़ाया और उसे कमर से पकड़ लिया और कंफर्टेबल पोजीशन में आकर उसे गले लगाते हुए उसके करीब आ गई और कहा, और अगर ये बात सही नहीं निकली तो मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं रह पाऊंगी जैसा कि मैं अभी हूँ। तुम ये नहीं जानते लेकिन मैं उन सभी लड़कों से नफरत करती हूँ जो लड़कियों को हवस की नजर से देखते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी नफरत में बहुत आगे आ गई हूँ और हर लड़के को एक ही तराजू में तोलती हूँ, लेकिन मैंने ये सब अपने जिंदगी के इतने सारे अनुभवों से किया है और इसी वजह से मैं कभी भी किसी भी आदमी पर विश्वास नहीं करती। मैं किसी को कभी अपने करीब नहीं आने देती। अंजलि उदासी भरी आवाज में बुदबुदाती है और अपना मन हल्का करती है और अनजाने में आहें भर गहरी सांस लेती है और आकाश की गर्दन पर गर्म सांसें आने पर वो पागल हो जाता है। अंजलि ने खुद को उसकी बाहों में जकड़ लिया। आकाश को काफी अच्छा महसूस होता है। वो इसका कोई जवाब नहीं देता और सीलिंग की तरफ देखता रहता है। वो सोच में था। विशाल का क्या? आकाश अंजलि से क्यूरियसली पूछता है। अंजलि बताती है कि वो एक होमो है और वो मुझसे बार बार यही कह रहा था कि तुम गे नहीं हो सकते, क्या होगा अगर विशाल सही हुआ तो? आकाश अंजलि के बालों को सहलाते हुए पूछता है, फिर हमें ये झूठे रिश्ते में होने का नाटक बंद करना होगा और मुझे फर्म छोड़नी होगी। फिर तुम मुझ पर केस करोगे और मुझे किसी और फर्म में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना होगा। मैं सोच रही हूँ कि रुद्रा लॉ फर्म में अप्लाई करूँ, अंजलि धीमे से जवाब देती है। आकाश अंजलि को खोना नहीं चाहता था। वो सोच रहा था कि अंजलि को क्या बताया जाए कि वो उससे दूर ना हो। क्या आकाश उसे अपनी सच्चाई बता पाएगा और क्या अंजलि आकाश का सच जानने के बाद आकाश से दूर हो जाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पैशन वाला प्यार ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अगली सुबह अंजलि सिरदर्द के साथ उठती है। बिना आंखें खोले वो अपना सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ जाती है। वो आंखें नहीं खोलती। वो सोना चाहती है लेकिन उसे वॉशरूम जाना था। वो जल्दी से वॉशरूम की ओर दौड़ पड़ती है। आह, टॉयलेट सीट पर बैठने के बाद काफी हल्का महसूस करती है। धीरे से आंखें खोलती है और धीमी आवाज में अपने आप से बुदबुदाती है, अरे यार सरदर्द के साथ पेट भी खराब। उसे हैंगओवर बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए अंजलि ने कभी भी अपने लिमिट से ज्यादा नहीं पी। उसने जोर से उबासी ली। अचानक टॉयलेट के लेफ्ट में पानी गिरने की आवाज आई और उसने अपना सर शावर एरिया की ओर किया। उसने जो देखा उसके सर में एक चिंगारी दौड़ी। बाथरूम के ट्रांसपेरेंट ग्लास से उसे एक मेल फिगर दिखाई दी। वो डर गई और इससे पहले कि वो चिल्लाती या कुछ कर पाती, उससे पहले ग्लास का डोर खुला और उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसके सिक्स पैक एब्स, पतला शरीर और वी शेप की कमर थी। अंजलि की नजर जैसे ही उस आदमी के चेहरे की तरफ गई तो उसके होश उड़ गए। आकाश वो खुले दरवाजे के कोने पर खड़ा था। उसका एक हाथ दरवाजे की प्लेट पर टिका हुआ था और दूसरा हाथ एक टॉवल पहने हुए अपने गीले टपकते बालों को सुखा रहा था। उसकी छाती खुली थी, उसका शरीर पानी की बूंदों से चमक रहा था और बाकी का शरीर सिर्फ एक टॉवल से ढका हुआ था। आकाश को अपने बाथरूम में देखकर अंजलि शॉक में थी। What the hell? तुम्हें मेरा टॉवल यूज करने की परमिशन किसने दी? अंजलि ने दांतों को पीसते हुए फुसफुसाया। वो अभी भी टॉयलेट सीट पर बैठी है। उसने कई बार पलकें झपकाई और अपनी आंखें रगड़ी और यहाँ तक कि ये सब असल में है ये चेक करने के लिए खुद को चुटकी ली और उसे दर्द हुआ कि वो सब कुछ वही देख रही है जो एक्चुअली है। तुम फाइनली उठ गई हाँ? आकाश ने गहरी आवाज में कैजुअली पूछा और शावर एरिया से बाहर निकल गया। वो उसके पास से ही गुजरा और अंजलि के शॉक्ड नजरों को इग्नोर कर दिया। अंजलि का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो देख रही है कि आकाश उसके घर में बड़े आराम से मंडरा रहा है और उसे उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो जल्दी से टॉयलेट सीट से उठी और आकाश का पीछा करने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो फुदकती आंखों से बुदबुदाई। आकाश शांति से अपने कपड़े बेड पर रखते हुए अंजलि की तरफ देखता है। मुझ पर चिल्लाना बंद करो और शांत हो जाओ। डाइनिंग एरिया में जाओ, वहां रखी चाय पियो, मैंने हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, हम वहां बात करते हैं।
आकाश ने क्लियरली अंजलि से कहा। अंजलि उसके जवाब से शॉक थी, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आकाश कपड़े पहनकर कमरे से बाहर चला जाता है। उसने मुझे मेरे ही घर में ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे की? ये मेरा घर है, उसका ऑफिस नहीं, और वो मेरे घर में मेरे कमरे में क्या कर रहा है? ये सोचकर अंजलि झुंझला उठी। उसका पेट पहले से ही गड़गड़ाहट कर रहा था और उसकी सरदर्द में अब इंसल्ट ऐड हो गई। उसने सोचा कि आकाश लकी था, अगर उसकी तबीयत ठीक होती तो वो उसे पहले मौके पर ही बाहर कर देती। डाइनिंग एरिया में जाते ही उसे किचन से खाने की खुशबू आती है जो उसके सरदर्द को थोड़ा राहत देती है। टेबल पर खाना रखा देख वो जल्दी से टेबल पर बैठ जाती है। उसने सबसे पहले गर्मा गर्म चाय पी और उसे थोड़ा एनर्जेटिक फील हुआ। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आकाश एक अच्छा कुक भी हो सकता है। उसने देखा आकाश भी खाने के लिए उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया, और इससे पहले कि वो अपने बेडरूम में आकाश की मौजूदगी के बारे में बात करना शुरू कर पाती, वो उस पर चिल्लाया और बोलना शुरू कर दिया। इससे पहले कि तुम मुझ पर और भी चिल्लाओ, तुम्हें मुझे वार्निंग देनी चाहिए कि वो मैं हूँ जिसे तुम पर चिल्लाना चाहिए। आकाश ने सीधे अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा, व्हाट, क्यों? ये तो ऑब्वियस है ना कि तुम मेरे घर को अपना घर समझकर घूम रहे हो, मेरे बाथरूम को यूज कर रहे हो, बेडरूम। एक मिनट, होल्ड ऑन। एक मिनट तक दोनों एक दूसरे को कुछ बोले बगैर देखते रहते हैं, और फिर अंजलि थोड़ा हिचकिचा के पूछती है, रुको, क्या हम साथ में सोए थे? अंजलि खुद को चेक करती है और वो देखती है कि उसके कपड़े वही हैं और उसका शरीर अभी भी ठीक है। वो कुछ अलग भी महसूस नहीं कर रही थी। स्टॉप इट, मैं ऐसा नहीं हूँ जो नशे में लड़की का फायदा उठाता है, आकाश डिफेंड करता है। रियली? अंजलि ने आकाश को देखते हुए कहा। अंजलि बी सीरियस, मैं यहाँ सो गया क्योंकि तुमने मुझे जाने नहीं दिया। क्या तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कैसे पकड़ लिया था? कल रात मेरे चारों ओर एक सांप एक अजगर की तरह लिपटी हुई थी, और जितना मैंने उठने की कोशिश की उतना ही तुमने मुझे और जोर से पकड़ लिया। तो आखिरकार मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे बेडरूम में रात गुजारी, और सुबह मुझे फ्रेश होने की आदत है इसलिए तुम्हारा बाथरूम यूज कर लिया। आकाश ने सुनाया। अंजलि कुछ ना बोल सकी, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने जो कुछ भी कहा उसे बिना किसी प्रूफ के आकाश की बातें मान ली और कहा, ठीक है चलो पहले खाते हैं, और मैं ये याद करने की कोशिश करूंगी कि क्या मैंने वो सब किया जो तुम कह रहे हो। वैसे ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि तुमने सच में कल रात कुछ भी गलत हरकत नहीं की। ये बात सुनकर आकाश ने लगभग चाय सामने थूक दी, और ऐसा भी नहीं था कि अंजलि ने उसे पूरे वक्त पकड़ रखा था, लेकिन उसके बगल में रहने और सोने का फैसला भी आकाश का था। वो सोचता था कि क्या अंजलि को पता चल जाएगा कि कैसे उसने कई बार अंजलि को अचानक किस किया था जब वो सो रही थी। अंजलि याद करने की कोशिश कर रही थी कि कल रात क्या हुआ था, क्या वो सच में आकाश से सांप की तरह लिपटी हुई थी। कुछ भी क्लियर नहीं था। हालांकि उसने अपने बेड पर अपने रूम के अंदर आकाश को याद किया, लेकिन उसने सोचा कि ये एक सपना था। अगर तुम्हें सिर में अभी भी दर्द हो रहा है तो ये दवाई खा लो, मैं अब निकलता हूँ, अंजलि ने आकाश को बोलते हुए सुना, और वो अपनी चेयर से उठा। थैंक यू फॉर दिस, अंजलि बुदबुदाती हुई खड़ी होने वाली थी, लेकिन आकाश ने उसे रोक दिया। मुझे एसी ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स फाइन। अपना नाश्ता खत्म करो, दवा लो, फिर नहा कर फ्रेश हो जाओ, तुमसे अभी भी वाइन की बदबू आ रही है। अंजलि की नजरों से ओझल होने से पहले आकाश मुस्कुराया और बोला। अंजलि ने खुद को सूंघा, उसमें से अभी भी बदबू आ रही थी। आकाश ने जब उसकी तरफ इशारा किया कि तुम्हें नहाने की जरूरत है, तो अंजलि को उसका थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर वो कल रात के लंच डिनर और ढेर सारी बातों को याद करने लगी। वो अपनी जिंदगी की वैसी शाम अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहती थी जैसे वो कल आकाश के फैमिली के साथ गुजार कर आई थी। तभी उसकी नजर उस दवाई की ओर पड़ी जो आकाश ने उसके लिए छोड़ी थी, और वो मुस्कुरा दी। आकाश अपने तरीके से सोचता है, उसका अंजलि के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना और उसके हैंगओवर के बारे में सोचना अंजलि को काफी अजीब लगा। वो बुरा नहीं है, वो बुदबुदाई और खाना खाना जारी रखा। अंजलि ने अपना पूरा संडे आलसीपन में गवाया, और वो अपने आप को बार बार कसम देती रही कि वो आइंदा इतनी शराब नहीं पिएगी। उसने अपने लिए लंच और डिनर ऑर्डर करवा दिया। उसने अपने कार की भी इंक्वायरी की, लेकिन वो अब तक तैयार नहीं थी। वो बहुत ज्यादा लेजी फील कर रही थी, इसीलिए वो अपना ध्यान काम में लगाने का सोचती है। वो मिसेस गरिमा के केस को हाथ में लेती है, कुछ पेपर्स पढ़ती नहीं कि वो कल रात के बारे में सोचती है। मैंने ऐसा क्या किया जो आकाश को रुकना पड़ा,
वो कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। वो फिर से केस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगती है और जितनी भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है उसकी लिस्ट बनाती है। एक फेमस बिजनेसमैन का मर्डर कैसे हुआ होगा ये समझने की कोशिश करती है। उसने उसकी डेथ के बाद रिलेटिव्स और बेनिफिशरीज के नाम और मरने वाले के करीबी फैमिली मेंबर्स की लिस्ट बनाई और जो किसी भी तरह से उसके खिलाफ थे उनकी भी लिस्ट बनाई। फिर उसने दोस्तों और नौकरों और उसके इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयज के नामों की लिस्ट पर ध्यान दिया। रात तक वो अपनी पूछताछ और सवालों की लिस्ट से थोड़ा सेटिस्फाइड महसूस कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि आकाश चाहता है कि वो इस केस में उसकी हेल्प करे। वो मंडे मॉर्निंग उठी और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। वो कैब बुलाने ही वाली थी कि उसका मोबाइल फोन बजने लगा। मैं बाहर हूँ, क्या तुम तैयार हो? आकाश ने पूछा। उसने अपने हाथ को सिर से इरिटेट होकर पटका और कहा, तुम्हें हर सुबह मुझे पिक करने की जरूरत नहीं है। रेडी होने के बाद बाहर आ जाना, हम सीधे डिटेंशन सेंटर जाएंगे और क्लाइंट से मिलेंगे। आकाश ने क्लियरली कहा। मैं अभी आ रही हूँ, अंजलि ने बुदबुदाते हुए फोन काट दिया और जल्दी से बाहर भागी। आकाश को बाहर देखकर वो रुक गई। वो उसकी कार के दरवाजे पर झुककर उसके मोबाइल में देख रहा था। अंजलि को अचानक आकाश की सेक्सी फिगर याद आती है जो उसने बाथरूम में देखी थी। उसने अपनी आंखें झपकाई और देखा कि वो अपनी कैजुअल पोस्चर में इतना हैंडसम लग रहा था। वो डेफिनेटली आकाश से आकर्षित हो रही थी। उसने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश की और ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिए। वो मजबूर थी, हालांकि उसे लड़कों के करीब जाने से नफरत थी, लेकिन आखिर वो एक इंसान है। उसे इतने आकर्षक, खूबसूरत, सिक्स पैक एब्स वाले आदमी से प्रभावित तो होना ही था। वो अपने सुपर लॉजिक और ख्यालों पर मुस्कुराई। आकाश ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और अपनी उभरी हुई नजरों से पूछा, यहाँ कुछ फनी है? फिर उसने अंजलि के लिए दरवाजा खोला। ओ यस, तुम मुझे पिक करने आए हो, ये फनी है। ये क्या, तुम आज भी ड्राइव कर रहे हो? राजेश आज भी नहीं आया? अंजलि ने पूछा। गेट इन, राजेश इज सिक। आकाश अंदर बैठते हुए फुसफुसाया। कल तो वो बिल्कुल ठीक था, अचानक क्या हुआ? अंजलि पूछती है, मगर आकाश कुछ नहीं बोला। क्या मैं ड्राइव कर लूं? मुझे याद है पूजा ने कहा था कि तुम्हें ड्राइव करना पसंद नहीं। अंजलि ऑफर करती है। उसे ड्राइविंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन वो राजेश को लाता तो सारी खबर अली और उसके डैड को पहुंचा देता, इसलिए आकाश जानबूझकर राजेश को अपने साथ नहीं लाया। अंजलि को कुछ खाना था, इसलिए वो आकाश को कॉफी और सैंडविच कार में लाकर खाने की परमिशन मांगती है। आकाश रास्ते में ही एक रेस्टोरेंट के बाहर कार रोकता है और अंजलि से कहता है, चलो कुछ खाते हैं। क्या तुम अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करके नहीं आते? अंजलि सीट पर बैठते हुए कैजुअली पूछती है। आकाश उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए वेटर को ऑर्डर देता है और अंजलि को ऑर्डर देने का इशारा करता है। क्या हम लेट नहीं हो जाएंगे? हम लोग कार में भी जाकर खा सकते हैं ना? ओ गॉड, अब मैं इस लड़की के साथ कॉफी तक नहीं पी सकता, आकाश मन में ही बड़बड़ाता है। वो अंजलि के बेकार सवालों से परेशान होता है। मुझे ड्राइविंग करते वक्त कॉफी पीना पसंद नहीं है अंजलि। अंजलि आकाश की बात पर सिर हिलाती है और अपनी कॉफी आने का वेट करती है। उसे याद आता है कि क्या उसे आकाश को उसके गे होने के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन एक अननोन फोर्स उसे पूछने से रोकती है। शायद मुझे उसे पूछने का आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए, उसे फिलहाल गे समझना ही मेरे लिए अच्छा होगा, अंजलि सोचती है। अचानक जब वो आकाश को अपनी तरफ होते हुए देखती है तो उसे कुछ हरकतें याद आती हैं। अंजलि की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसे फ्लैशिंग याद आते हैं, जैसे आकाश को अपने बेड पर किस करना और उसे हैंडसम कहना। ये सब सोचकर अंजलि थोड़ा घबरा जाती है और एम्बैरस फील करती है और अपने मन में सोचती है, क्या उसने सच में उसके साथ ऐसा किया था? क्या होगा अगर अंजलि को सब याद आ जाए? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पैशन वाला प्यार ओनली ऑन पॉकेट एफएम।